हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का हमारा स्लोगन रहेगा, रफ़ी सर का नारा है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप हमारा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सारे शेप फील करा दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आने वाले प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सारे शेप आपकी आंखों के सामने होगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञान की बात से स्टार्ट करते हैं। तो ज्ञान की बात में ये है कि जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिक्सिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसका नाम क्या रखेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे टू गिव यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो देखने में कैसे हैं? एस का जो शेप है वो स्फेरिकल है, एवरीवन नोज। पी का डंबल है और इसमें तीन ऑर्बिटल होंगे। डी का डबल डंबल है, इसमें पांच ऑर्बिटल होंगे। तो सबका शेप आप देख सकते हो अलग अलग है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये सब। ये जब मिक्स होंगे तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, और उसका शेप कैसा होगा? तो सबका फिक्स है, ऐसा होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मिक्सिंग से पहले, अगर आप ध्यान से देखो, मिक्सिंग होने से पहले डिफरेंट शेप था सबका। इसका स्फेरिकल है, इसका डंबल है, इसका डबल डंबल है, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट एनर्जी होंगी। मिक्सिंग से पहले सब कुछ डिफरेंट है, बट आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग होने के बाद आपका सबका शेप सेम होगा, और ये इस टाइप का होगा। एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा सा लोब होगा। सबका साइज सेम होगा, सबकी एनर्जी सेम होगी। और इसको हम प्रैक्टिकली अगर फील करना चाहें तो आप ऐसे फील कर सकते हैं जैसे लड्डू बनता है। तो लड्डू बनने से पहले वाटर अलग है, शुगर अलग है, उसमें जो बेसन यूज कर रहे हो वो अलग है, सब कुछ अलग है, राइट? सबका नेचर अलग है, बट आफ्टर मिक्सिंग जब आपको लड्डू बन के मिलता है तो सबका सेम शेप होता है, सबका सेम स्वीटनेस होता है, सबका सेम कलर होता है, एवरीथिंग सेम होता है। वैसा ही सेम प्रोसेस ये है कि मिक्सिंग से पहले ये सब कुछ डिफरेंट है, और मिक्सिंग होने के बाद जादू हो गया, डैट मीन्स आपका सब शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, एनर्जी सेम होगा। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो डिफरेंट है, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फिक्स, और वो भी डंबल टाइप का ही है, बट एक बड़ा लोब होगा और एक स्मॉल लोब होगा। बड़ा लोब इसलिए ताकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग एरिया मिलेगा हमें। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस बात को आप माइंड में पूरा बैठा लें कि हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर सिक्स ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपको मिलेंगे। अगर दो मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार मिक्स हुए तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट्स वेरी सिंपल। और रेफरेंस एक्सिस जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो जेड एक्सिस को ले रहा हूँ, डैट मीन्स जितने भी अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस होंगे। आप रेफरेंस एक्सिस किसी भी एक्सिस को ले सकते हैं, आई एम टेकिंग हियर जेड एक्सिस। नाउ मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। तो दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जब भी, तो आपको एस से स्टार्ट करना। आप ध्यान से देखो तो दो मिलने का मतलब एक एस और एक पी, ये दो घर आप यूज करेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम रहेगा एस पी। डैट मीन्स दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम रहेगा एस पी एस पी, ये एक का नहीं है, ध्यान रहे मैंने सिर्फ नाम लिखा है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और दोनों का नाम एस पी एस पी रहेगा। अगर तीन मिक्स हुए तो नाम कैसे रखेंगे? एक एस एक पी और एक और पी, तो नाम हो जाएगा एस पी टू एस पी टू एस पी टू, तीनों का नाम सेम रहेगा एस पी टू एस पी टू एस पी टू। अगर चार मिक्स हुए तो एक एस और ये तीनों पी यूज करेंगे आप, तो नाम हो जाएगा उसका एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री, चारों का नाम सेम रहेगा। सिमिलरली अगर पांच ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो अब एस पी फोर आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि पी के तीनों यूज हो चुके हैं, तो एक एस यूज होगा, तीन पी यूज होगा और एक डी यूज होंगे, इसलिए नाम इसका क्या रहेगा?
sp3d, और ऐसे कितने ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, पांच, सबका नाम सेम रहेगा, sp3d 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 sp3d। ओके, छह ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे तो अब एक s, तीन p और दो d यूज हो जाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, sp3d2। ये जो पावर है इससे भी आपको आइडिया लगेगा, s1 p1, तो दो ही ऑर्बिटल मिक्स हुए, जैसे यहाँ पे s1 p3 d2, तो टोटल 6 हुए, इसलिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और अगर 7 हो गए तो ये वाला भी डी हो गया, तो आपको हाइब्रिडेशन का नाम हो जाएगा sp3d3। तो यहाँ पावर से भी पहचान सकते हो। ध्यान रहे कि चूंकि p में मैक्सिमम तीन ही घर हैं, तो इसलिए वो तीन ही मैक्स यूज हो सकता है, s में एक ही है इसलिए s एक ही यूज हो सकता है, उसके बाद फिर d आ जाएंगे। तो sp3 खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट sp4 मत करना गलती से, sp3d होगा, फिर sp3d2 होगा, फिर sp3d3। अपने को इतना ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। दो अलग होते हैं, एक dsp2 होता है, एक d2sp3 भी होता है, वो सब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी बॉन्डिंग में आपको इतने हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे, और दैट्स वेरी सिंपल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। यहाँ पे देखो नाम अलग अलग है, sp या spx py, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबका नाम क्या हो जाएगा, सेम। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। तो देखो ट्रिक्स का बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे ट्रिक से। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम का सिग्मा बाउंड काउंट कर लेना है, डैट मीन्स सेंट्रल एटम ने कितना सिंगल बाउंड बनाया है अपने सराउंडिंग एलिमेंट से, वो काउंट करना है, प्लस सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है, डैट मीन्स वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए, और दो इलेक्ट्रॉन को एक काउंट करना है, एक लोन पेयर। तो सिग्मा एंड लोन पेयर आपको काउंट कर लेना है, और उसका सम जो आएगा, सिग्मा और लोन पेयर का सम मान लो दो आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे दो मार्कर है, तो मैं दो मार्कर एज्यूम करूँगा। आप एग्जाम में आपके पास दो पेन होंगे तो आप दो पेन एज्यूम करेंगे, तीन आएगा तो तीन, चार आएगा तो चार, और उसको हम क्या करेंगे, स्पेस में अरेंज करेंगे सच डैट कि उनके बीच मैक्सिमम एंगल हो या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है CO2, तो इसमें सेंट्रल एटम आपका कार्बन हो जाएगा। तो एक रफ स्ट्रक्चर आप ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, कार्बन के लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, मैं जैसे तैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ बना दिया मान लो, ये सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे सिग्मा अगर मैं काउंट करूँ तो जब भी दो एटम के बीच बॉन्ड बनेंगे तो पहला सिग्मा होगा, रेस्ट जितने होंगे वो पाई होंगे, तो इसमें से एक सिग्मा हो गया आपका, और इधर से भी एक सिग्मा हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन ने दो सिग्मा बनाया है, कार्बन के वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन था जो कि यूज हो चुका है, तो जीरो लोन पेयर है, तो 2 + 0 कितना आ गया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp। अब शेप की बात करेंगे, ये तो मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया, अब आपके पास काउंट कितना आया, ध्यान दो 2 आया है, डैट मीन्स यही इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रिक के लिए कि आ कितना रहा है, मॉलिक्यूल क्या उससे मतलब नहीं है, काउंट कितना आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो दो मार्कर को आपको अरेंज करना है सच डैट कि इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो या मैक्सिमम एंगल हो। तो कोई भी बोल देगा कि सर इसको मैं ऐसे रखूँगा 180 पे, एकदम लीनियर एक लाइन पे आ जाएगा, सेंटर में कार्बन होगा, इधर ऑक्सीजन होंगे, इधर ऑक्सीजन होंगे। तो इसलिए अब शेप अगर मैं इसका बोलूँ तो क्या बोलूँगा, लीनियर, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। और स्ट्रक्चर अब अगर करेक्ट बनाना होगा तो आपको इन तीनों ही एलिमेंट को एक लाइन पे रखना है, तो इसलिए करेक्ट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको मैंने दिया SO3, तो अगेन सल्फर सेंट्रल एटम हो गया जो मिनिमम इन काउंट हो, और S डबल बॉन्ड O ऐसे मैंने बना दिया। नाउ अगर मैं इसमें सिग्मा काउंट करूं, तो अभी बताया दो एटम के बीच जब भी बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा होगा, रेस्ट पाए होंगे, तो इधर से एक सिग्मा है, इधर से एक सिग्मा है, इधर से एक सिग्मा है, तो सिग्मा यहाँ पे 3 है। लोन पेयर सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो अब एक भी नहीं बचा तो 0, तो 3 + 0 का काउंट कितना हो गया, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अब हमारे पास कितने हो गए, अब पॉइंट क्या है आपका, कि अब आपके पास
काउंट 3 हो गया है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 3 लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने 3 ले लिया, और इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो और सब इक्वल डिस्टेंस भी हो, इक्वल एंगल पे हो। तो आप कैसा बनाएंगे, ध्यान से देखो, आप बिल्कुल इस टाइप से बनाएंगे ये, या बिल्कुल आप ऐसे बनाएंगे। ये कैसा दिख रहा है आपको, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये वाई शेप मेरे को दिख रहा है। समझने के लिए, ये बिल्कुल अल्फावेट का वाई दिखेगा, या मर्सिडीज का ये भी लोगो हो गया, राइट। इस टाइप से अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये मर्सिडीज का भी लोगो हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो इसलिए इसका शेप का नाम क्या रहेगा, ट्रायंगल। और ये सारे बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे, आपके पेपर के प्लेन में होंगे, इसलिए इस शेप का नाम रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर मुझे इसको आप ड्रॉ करना हो, डैट मीन्स पॉइंट क्या है वो ध्यान देंगे। पॉइंट ये है कि कहीं पे भी अगर आपको 3σ0 लोन पर आ रहा है तो आपको कैसा ड्रॉ कर देना, वाई शेप में, इस टाइप से। इसीलिए अब SO2 का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, वाई बिल्कुल दिखना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। वाई आप चाहे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डैट्स ओके, बट वाई दिखना चाहिए। और वाई मतलब ये सारे बॉन्ड प्लेन में आपके। नेक्स्ट अगर SO2 हुआ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फर सेंट्रल एटम, 2 डबल बॉन्ड ओ कर दिया और इसका एक लोन पेयर बच गया आपका। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो सिग्मा मेरे पास 2 ही हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लोन पेयर अब इस केस में आपके पास 1 आ गया है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, तो 2+1 यहाँ पे भी काउंट कितना हो गया, 3। तो इसीलिए बनाना तो अभी वैसा ही है, 3 आ गया तो आपको तो बनाना वैसा ही है, बस इसी बात को समझेंगे, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बनाना तो आपको ऐसे ही है 3 आ गया तो। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक जगह पे बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कौन है, लोन पेयर, तो बॉन्ड नहीं है तो फिर उसको दिखाना भी नहीं है, तो उसको हटा दो आप। तो सपोज करो मैं इसको किसी को भी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल 120 के हैं। तो मान लो कि मैंने इसको हटा दिया तो ये आपको कैसा दिख रहा है, अल्फ़ाबेट का वी शेप दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेट का वी है, या यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो एक एंगल भी बन गया, या ये बेंट भी हो गया। तो इसलिए इसका नाम बहुत सारा रहेगा, वी शेप, इसको बोलेंगे वी शेप, या फिर बेंट, या फिर एंगुलर, ये सब रहेंगे। डैट मीन्स आपको कैसे बनाना है, तो सिंपल एक वी बना देना है, क्योंकि एक अब आपका बॉन्ड खत्म हो चुका है, उसकी जगह लोन पर आ गया। तो इसलिए अब SO2 का स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो ऑलवेज अब आप कैसा बनाएंगे, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका था वो लोन पेयर था जो हट गया। तो इस बात को ध्यान से समझें कि मेनली पॉइंट किस पे मैं जोड़ दे रहा हूँ कि सिग्मा और लोन पेयर काउंट करो, मॉलिक्यूल क्या उससे मतलब नहीं है, सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो आप। अगर वो 2 आता है तो आपको आंख बंद करके लीनियर बना देना, अगर 3 आ रहा है और तीनों के तीनों सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो वाई शेप बना देना, डेट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो इन डैट केस एक बॉन्ड हटा देना है, कहीं से भी हटा दो तो अपने आप आपके सामने रहेगा, आपकी आंखों के सामने रहेगा कि वो वी शेप होगा, उसी को बेंट या एंगुलर बोलेंगे। और यहाँ पे अगर एंगल बात करते तो यहाँ पे एंगल आपको कितना मिलता, 120 डिग्री तीनों के बीच में, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। नेक्स्ट CH4, तो मैं कार्बन को ले लिया, और अभी मैं जैसे मैंने इसलिए लिखा है रफ स्ट्रक्चर, आपको कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट कर देना, ये कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, तो 4+0 कितना हो गया, 4। तो मैटर कौन करता है, ये कि आखिर काउंट करके आया कौन, तो 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या रहेगा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपका sp2 ही रहेगा, और ये 4+0 वाले का sp3। अब आपके पास टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4 को कैसे अरेंज करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे अरेंज करना है, इट्स लाइक ट्राईपॉड की तरह, ध्यान से देखें, ट्राईपॉड की तरह आपको करना है, कैमरा स्टैंड की तरह। तो यहाँ पे आप कैसे भी कर लें, मैं किसी भी प्लेन से कट करूँ तो उस प्लेन पे 2 ही बॉन्ड आएगा, एक प्लेन के आगे दिखेगा और एक प्लेन के पीछे दिखेगा, राइट।
तो यहाँ पे देख सकते हो चार हेड आपको दिखेंगे, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ, एक हेड यहाँ, एक हेड है यहाँ, तो चार हेड हुए, इसलिए टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर, और हेड रल, तो टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एक प्लेन में नहीं आएंगे, तो इसलिए जब भी 4+0 वाला कंडीशन आए तो आपको बोलना है शेप का नाम टेट्रा हेड्रल, चार हेड आपको दिखेंगे। और टेट्रा हेड्रल ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जो कि बोर्ड के प्लेन में, एक हाइड्रोजन आपका बोर्ड के प्लेन से आगे की तरफ होगा थोड़ा, तो उसको थिक लाइन से दिखाएंगे, और एक हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के पीछे से होगा, जो नहीं दिखेगा तो आप उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम, और ये तीन हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। नाउ यहाँ पे सिग्मा काउंट करूँ तो कितने हो जाएंगे, 3, 3 सिग्मा हो गया, लोन पेयर कितना, 1, तो अगेन काउंट कितना आ गया, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा, sp3। 4 आ गया, तो मैंने पहले बताया 4 को अरेंज तो वैसे ही करना है, राइट, अरेंजमेंट वही रहेगा 4 का, डैट इज टेट्राहेड्रल टाइप, इस टाइप से। नाउ पहले केस में चारों बॉन्ड थे इसलिए टेट्राहेड्रल, अब क्या हो रहा है, एक बॉन्ड नहीं है, उसकी जगह पे लोन पेयर है, तो आप अगेन कहीं से भी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल टेट्राहेड्रल में 109 के होंगे, और ऐसे एंगल कितने हैं, तो आप देख सकते हो 6 हैं। अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हटा दो, तो ये तीन एंगल तो आपको दिख जाएंगे, जब आपने इसको ऊपर से रखा तो ये तीनों से बनाएगा, इस ब्लैक वाले से, इस रेड वाले से, इस रेड वाले से, तो टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल है। सारे एंगल इक्वल हैं इसलिए मैं कहीं से भी हटा सकता हूँ अभी, तो सपोज करो मैंने ऊपर से हटा दिया इसको, तो अब ये कैसा दिख रहा है, पिरामिड, मिस्र में जो ऊंची ऊंची जगह थी उसको पिरामिड बोलते थे, तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, शेप का पिरामिडल, तो इसलिए ये चीज़ें सब क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, पिरामिडल। तो ध्यान दो, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि आपको जैसे ही 2+0 आए लीनियर मॉलिक्यूल कोई भी हो, 3+0 आए ट्राइगोनल प्लेनर, 2+1 आए वी शेप बेंट एंगुलर, और रटना नहीं है क्योंकि आपको करके बताया कैसे करना है, 4+0 टेट्राहेड्रल, 3+1 पिरामिडल, और इसलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर अब हमें बनाना होगा, तो आपको पिरामिड की तरह इस टाइप से बना देना, और इधर में लोन पेयर आपका रहेगा। नाउ नेक्स्ट H2O, तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम, अभी मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ, तो ये मैंने बना दिया, इसके दो लोन पेयर बच गए, तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आपके पास सिग्मा 2 है सेंट्रल एटम ने, और सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर है, तो यहाँ भी काउंट कितना आ गया, 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, अगेन अरेंजमेंट आपको वही रखना है, 4 आते ही अरेंजमेंट आपका पहले फिक्स कर लो, मेरे ट्रिक का या कहने का मतलब यही है कि जो 4 जैसी आया तो आप ऐसे अरेंज कर लो। अब सोचो कि क्या करना है, चारों बॉन्ड होते तो यही रह जाता टेट्राहेड्रल, एक बॉन्ड हटाना था तो हमने हटा दिया था तो पिरामिडल, एक और हटाना है तो ये हटा दो, तो ये अपने आप देख लो ये कैसा दिख रहा है आपको, फिर से वी शेप आ गया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, वी शेप या फिर एंगुलर, वी शेप बेंट या फिर एंगुलर, और इसलिए आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो अब आपको वी टाइप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे। एंगल भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका तो आपको मालूम ही है 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका 107, ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा, और यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है, ये अमोनिया और वाटर का आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट HCl, तो आप ड्रॉ कर देंगे HCl, यहाँ पे क्लोरीन ने एक सिग्मा बनाया और 3 लोन पेयर है, अभी भी काउंट 4 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 रहेगा, आप खुद ही सोचो, अगेन जैसे ही 4 आया, मैंने कई बार बोल चुका ये बात, आपको अरेंज तो ऐसे ही करना है, फिर से देख लें सब लोग जिसको नहीं समझ में आया, 4 आया तो ऐसे अरेंज करना है, चारों बॉन्ड होते तो टेट्राहेड्रल, अगर 3 बॉन्ड है एक लोन पेयर है तो लोन पेयर हटा दो एक, तो ये पिरामिडल, अब 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर है तो एक और हटा दो, तो ये वी शेप, अब 3 लोन पेयर एक ही बॉन्ड है तो एक और हटा दो, तो ये कैसा हो गया, ये
ये दोनों तो दो ही एटम है तो वैसे भी सोचना ही नहीं था, लीनियर होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये लीनियर। तो ये हो जाएंगे आपके लीनियर और सिंपल आपको ऐसे ड्रॉ कर देना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जस्ट आई एम सेइंग कि अभी तक दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि चाहे वो टू वाला केस हो या थ्री वाला या फोर वाला, सभी में बॉन्ड एंगल इक्वल थे, इसलिए हम कहीं से भी लोन पेयर को हटा पा रहे थे। नेक्स्ट जो मैं केस लेने वाला हूँ उसमें अब लोन पेयर हमें कहाँ से हटाना है, तो डैट्स वेरी सिंपल, मैक्सिमम एंगल पेयर से हटाना है। बस एक ही पॉइंट देखना है, ऑलवेज लोन पेयर को हटाना हो तो मैक्सिमम एंगल से हटाना है। अगर सारे एंगल सेम है तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा टाइप के एंगल हैं तो मैक्सिमम एंगल से लोन पेयर को आपको हटाना है। तो मैं अब नेक्स्ट पे जाता हूँ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइव से रिलेटेड। तो मैंने लिया PCl5, तो रफ स्ट्रक्चर फास्फोरस के लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन, तो पांच Cl आप कनेक्ट कर दो जैसे मन करे वैसे। पहले क्विकली रफ स्ट्रक्चर अब इसमें काउंट कर लो, आप देख सकते हो पांच सिग्मा है, फास्फोरस अपने सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, जीरो लोन पेयर, तो कितना आ गया आपको 5। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, तो 5 हो गया तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा sp3d। नाउ 5 को कैसे अरेंज करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल, 5 को आप कैसे अरेंज करेंगे, नाउ 5 को कैसे अरेंज करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल, 3 को आप ऐसे जैसे ट्राइगोनल प्लेनर वाला था, और एक प्लेन के आगे और एक प्लेन के पीछे ऐसे दिखेगा आपको, ध्यान से देखो ये वाला आपको ऐसे दिखेगा। तो 3 जो आपके प्लेन में हो गए और एक ये प्लेन से आ गया और एक ये पीछे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसा होगा, तो फिर वो पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, तो ये कैसा हो गया ट्राइगोनल, और ये भी ऊंची जगह और पीछे भी एक ऊंची जगह है, तो इसलिए बाई पिरामिडल, तो नाम इसका क्या हो जाएगा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल वो 3 वाला प्लेनर था, ये हो जाएगा बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो ये फास्फोरस 3 क्लोरीन ये बोर्ड के प्लेन में, एक क्लोरीन ऐसे बोर्ड के प्लेन के अप में, और एक क्लोरीन बोर्ड के प्लेन के डाउन। तो उसको कैसे दिखाएंगे, एक ये थिक लाइन से और एक ये डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 120 वाले भी हैं और यहाँ से यहाँ वाला 90 वाले भी हैं, दो डिफरेंट टाइप के एंगल हैं। और बाय द वे इस CLCL में जो प्लेन के अप डाउन में उसमें 180 है, दैट इज अनदर थिंग, बट 120 और 19 दो डिफरेंट टाइप के एंगल है यहाँ पे। नाउ SF4 की बात करें, सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन आप अटैच कर दो और यहाँ पे एक लोन पेयर आपका रहेगा। तो आप देख सकते हो आपके पास हो जाएंगे 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो अभी भी काउंट कितना आ गया 5, बस काउंट 5 आना चाहिए, हाइब्रिडेशन इज फिक्स। तो अभी भी 5 को अरेंजमेंट तो वही रहेगा बेटा, अरेंजमेंट जो है वो वही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी, और यही सबसे इम्पोर्टेंट केस है कि अब हम बॉन्ड हटाए कहाँ से, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया है। तो हमने पहली पॉइंट आपको दे दिया है मैक्सिमम एंगल से, मैक्सिमम एंगल कौन है 120, क्योंकि ये वाला कितना है, ये तो 90 है, तो आप 120 वाले से हटाएंगे। तो 120 वाले से अगर मैं सपोज करो हटा देता हूँ इसको, तो आप देखो ध्यान से, तो ये गार्डन में गए होगे, इस टाइप का एक झूला भी रहता है, सीशॉ बोलेंगे, या फिर मैं अगर इसको सीधा कर देता तो ये स्क्वायर में आ जाता, राइट, ये स्क्वायर में आ जाता, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोल्डेड स्क्वायर, तो इसको हम फोल्डेड स्क्वायर ही बोल सकते हैं, सीशॉ स्ट्रक्चर हो गया। इस टाइप से मैदान में जाओ और एक तरफ आप बैठो, एक तरफ आपका फ्रेंड बैठेगा, राइट, जिसका वेट ज़्यादा वो नीचे। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसका नाम हो जाएगा सी सॉ, या फिर इसी को बोलेंगे फोल्डेड स्क्वायर। बनाएंगे कैसे, तो वेरी सिंपल, आपको 120 वाले से हटाना है, तो यहाँ पे ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये 120 वाला हट गया, एक फ्लोरीन प्लेन के अप और एक फ्लोरीन प्लेन के डाउन, यहाँ पे एक्चुअली में कौन आ गया आपका लोन पेयर। नाउ अगर CLF3 हो तो आप ध्यान से देखो, CLF3 होगा तो क्या करेंगे, क्लोरीन और इसके साथ 3 फ्लोरीन को आप अटैच कर दो, जैसे मन करे अभी वैसे कर सकते हो।
क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 3 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, तो कितना हो गया 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, अगेन काउंट 5, तो 5 आया, तो फिर से वही पॉइंट सेम रहेगा, राइट। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपका क्या रहेगा, sp3d। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम करेंगे कैसे, तो डैट्स वेरी सिंपल, आपका भी बताया था, ये आपका ऐसे रहेगा, राइट, ये आपका ऐसे रहेगा, राइट, और ये आपका ऐसे था, तो ये था आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब एक लोन पर आया तो 120 से हटाया, ये हटा दिया, एक और लोन पर आया तो अब यहाँ से हटा देंगे, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, टी शेप, ध्यान से देखो तो ये कैसा हो गया, टी शेप, राइट, तो अल्फाबेट का ये कैसा हो गया, टी शेप, तो इसको बोलेंगे टी शेप। इसमें अगर बताऊँ तो Cl हो गया, अब आपका एक फ्लोरीन रह गया, दो फ्लोरीन की जगह आपका क्या आ गया है, ये लोन पेयर, और एक फ्लोरीन प्लेन कैप वाले रहेंगे और डॉन वाले, तो ये आपका कैसा दिख रहा है, टी शेप। नाउ Xf2, तो अगर इसके बारे में बात करें तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 फ्लोरीन से कनेक्ट किया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, डैट मीन्स 3 लोन पेयर बच जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा आपका 2 है बट लोन पेयर 3 है, तो काउंट फिर से कितना आ गया, 5, और 5 आते ही फिर से वही बात, हाइब्रिडाइजेशन आपका रहेगा sp3d। आप खुद ही सोचो, फिर से देखो, मैं बार बार वही बना रहा हूँ, और अगेन एक लास्ट टाइम भी समझ लो आप कि ये था आपका जब 3 था ट्राइगोनल प्लेनर, बाइपिरामिडल करना था तो उसी में अप एंड डाउन में ऐसे थे, ये पांचों अगर बॉन्ड होते तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब एक बॉन्ड कम करना है तो आपको कहाँ से हटाने पड़ेंगे, 120 से, मैक्सिमम एंगल से, तो ये हटा दिया तो ये आ गया था सीसो या फोल्डेड स्क्वायर। नाउ एक और हटाना था तो ये हटा दिया था तो ये आ गया था आपका टी शेप। आप खुद ही सोचो, एक और हटाना और ऑलवेज कौन सा, 120 वाला, तो ये हट जाएगा, तो ये वाला आपका ऐसे वाला बचा रह जाएगा, राइट, तो ये कैसा हो गया, लीनियर। फिर से देखें एक बार, आपका ऐसे था ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 120 वाले कौन कौन है, ये ब्लैक वाले, ये रेड वाले, और ये इधर नीचे ब्लू वाले, तो यानी मैं नीचे ब्लू वाले को हटाया 1 लोन पेयर, ब्लैक को हटाया 2 लोन पेयर, रेड को हटाया 3 लोन पेयर, तो अब सिर्फ सीधा बच गया कौन सा, लीनियर, तो राइट, तो इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। और बनाना होगा तो कैसे बना देंगे, एक फ्लोरीन प्लेन के अप में, एक फ्लोरीन प्लेन के डाउन, और इधर आपका ये 3 लोन पेयर था, तो ये लीनियर शेप हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं SF6, तो सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन आप ऐड कर दो, और जैसे मन करे अभी वैसे ऐड कर दो, तो यहाँ पे 6 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो कितना हो गया टोटल काउंट, 6 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अब 6 को कैसे अरेंज करेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल, 6 को जब भी अरेंज करना हो तो आप xyz एक्सिस थिंक करेंगे, बिल्कुल xyz एक्सिस आपको थिंक करना है, ध्यान से देखो, xyz एक्सिस थिंक करना है, ये ब्लू वाला सपोज करो x एक्सिस हो गया, ये ब्लू वाला y एक्सिस, और ये ब्लैक z एक्सिस, ये, तो अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो टोटल 8 डॉटेड लाइन ड्रॉ होंगी, राइट, 4 अप से और 4 डाउन से कनेक्ट करूँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ध्यान दें, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड 6 ही हैं, डॉटेड लाइन 8 बन रही है, इसलिए नाम पड़ा उसका ऑक्टाहेड्रल। इट डजेंट मीन कि ऑक्टाहेड्रल में 8 बॉन्ड है, और ये बिल्कुल x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, अप एंड डाउन आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल, तो शेप का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसको बनाना होगा तो 4 बॉन्ड आपका एक प्लेन में हो जाएगा, बोर्ड के प्लेन में स्क्वायर टाइप में, और एक बॉन्ड आपका ये प्लेन के अप में होगा, बोर्ड के प्लेन के अप, और एक डाउन में, तो उसको कैसे दिखाएंगे, अगेन एक थिक लाइन से और एक डॉटेड लाइन से। यहाँ पे सारे ही एंगल, ध्यान देने वाली बात है, सारे ही एंगल यहाँ पे कितने हैं, 90 डिग्री के, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें कितने हैं 90 के, तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, इसमें टोटल 1290 के होंगे, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको अभी हटा दो, ये स्क्वायर हो गया 2D में, 4 दिख रहा है, जब इसको रखा इसके ऊपर तो इन चारों से इसने बनाया 90, नीचे से रखा तो भी इन चारों से बनाया 90, तो टोटल 1290 के होंगे, 180 के 3 हो जाएंगे, राइट, एक्स वाई जेड एक्सिस वाले।
तो यहाँ पे एंगल आपका रहेगा 90 डिग्री वाला। नाउ IF5, तो आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 5 फ्लोरीन को कनेक्ट कर दो आप, तो आपके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, अभी भी 6 आ गया। तो मेनली इसलिए मैं इसको ही कर रहा हूँ कि इससे मतलब है 6 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इज फिक्स sp3d2। 6 को अरेंजमेंट तो वैसे ही रहने देना, अभी भी अरेंजमेंट तो वही रहेगा। नाउ अब एक लोन पेयर है तो वो हटा देना, कहीं से भी हटा दो क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम है। तो सपोज करो मैंने हटा दिया नीचे वाले को, तो अब ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर, और एक ही ऊपर में ही ऊंची जगह है, तो स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें बनाना होगा तो ये आयोडीन 4 फ्लोरीन आपका बोर्ड के प्लेन में, 1 फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के आप, और इधर में आपका लोन पेयर हो जाएगा। नाउ XeF4, तो XeF4 का अगर बनाना हो तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन आप कनेक्ट कर दो, तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये 4 और ये 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2। अगेन अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगा, जैसे ही 6 आया अरेंजमेंट आपको ऐसा xyz एक्सिस, 6 बॉन्ड होते तो यही हो जाता, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, या इसी को बोल सकते थे स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऊपर नीचे दोनों होता। अब एक लोन पेयर आया तो हटा दो लोन पेयर, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। एक और लोन पेयर आया तो ऑलवेज 180 वाला हटाना है ताकि रिपल्शन खत्म हो जाए, तो ये हटा दिया, तो क्या बचा सिर्फ स्क्वायर, और स्क्वायर एक प्लेन में आ जाएगा इसलिए क्या नाम रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। और बनाना होगा स्ट्रक्चर तो चारों ही फ्लोरीन आपके बोर्ड के प्लेन में होंगे, और एक लोन पेयर अप एक लोन पेयर डाउन। तो इस तरीके से हम इजीली सारे का शेप हाइब्रिडाइजेशन याद रख सकते हैं। सब आपके हाथों में मैंने दे दिया है, 2-3 पेन लेकर के जाओ और पूरे को अच्छे से आप वहीं पे विजुलाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अगर 7 होंगे तो IF7 लिया, तो आयोडीन से आप 7 फ्लोरीन को अटैच कर देंगे क्योंकि आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर, सिग्मा इसमें 7 हो गए, लोन पेयर 0, 7 प्लस 0 7, मैटर ये करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, 336 और 17 हो गया। शेप तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 5 बॉन्ड को आपको एक प्लेन में रखना है पेंटागन की तरह, तो यहाँ पे आयोडीन होगा और 5 फ्लोरीन को आपको एक प्लेन में रखना है लाइक पेंटागन, और एक फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के अप और एक डाउन में होंगे, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, इस टाइप से। तो इसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये कैसा हो जाएगा आपका, पेंटागन। तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटागोनल, क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मैंने शेप यहाँ ड्रॉ कर दिया, स्ट्रक्चर उधर लिख दिया, इट्स ओके फाइन। तो ये पेंटागल 5 बॉन्ड एक प्लेन में होगा, एक प्लेन के अप और एक प्लेन के डाउन। और अगर सपोज करो XeF6 है तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन आपको कनेक्ट करना है, तो जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 6 यूज के लिए, तो एक लोन पेयर बच जाएगा, तो 6 प्लस 1, तो ये भी 7 हो जाएंगे। मेजर ये ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, sp3d3। अब इसमें लोन पेयर कहाँ रखोगे, तो वही सेम ट्रिक, मैक्सिमम एंगल, इसमें एंगल कितना कितना बन रहा है तो आप ध्यान से देखो, तो पेंटागन है तो इसलिए 72 डिग्री 72 5 द 360, एक प्लेन में 360, और ये प्लेन के अप है डाउन है तो 90 डिग्री, तो मैक्सिमम एंगल वाला कौन हो गया 90, तो इसलिए आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, एक्सियल वाले पे। तो इसलिए इसको बोलेंगे, इस शेप का नाम होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 बॉन्ड है बट डिस्टॉर्ट हुआ हुआ है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं पेंटागोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। और इसका बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जेनॉन और यहाँ पे 5 फ्लोरीन आपका एक ही प्लेन में रहेगा और एक फ्लोरीन प्लेन के अप होंगे और एक जगह पे आपका लोन पेयर होगा। तो आई होप ये मेरा ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है, शेप को, सब कुछ आपके हाथ में, आप
फोर पेन लेके जाइए एग्जाम में और सब आप आंखों के सामने बना सकते हैं। जस्ट कोशिश क्या करना है, दो ही पॉइंट है, मैक्सिमम एंगल क्रिएट करना है और अगर हटाना होगा तो पहले मैक्सिमम एंगल से हटाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे ट्रिक्स के एंड कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं जो आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ उससे आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए बिना बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या फिर नॉन प्लेनर होगा, ये आप कैसे पता करोगे मेरे ट्रिक से। तो सबसे पहले प्लेनर का क्या मतलब है कि अगर जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपने लिया है उसमें सारे के सारे एटम अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में ही सारे एटम हैं, कोई भी बोर्ड के प्लेन से बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्लेनर। और आगे से मैं इसको पी से रिप्रेजेंट करूँगा। ध्यान दें, ऑल एटम ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड लाइंग इन सेम प्लेन। और अगर सपोज करो कि कोई आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसा है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक एटम ऐसा है जो इस बोर्ड के प्लेन से बाहर आ जा रहा है, इस बोर्ड के प्लेन से आउट है, तो उसको बोलेंगे नॉन प्लेनर। और शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको अब एनपी से रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। और ये जो ट्रिक्स हैं ये मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इसलिए यू कैन बेट ऑन रफ़ी सर ट्रिक्स। तो देखिए कि अगर आपको पता करना हो कि आपका स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर, आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल ट्रिक्स। देखो, आपको क्या कर लेना है, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा, डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना है, एंड लोन पेयर। लोन पेयर वो कौन सा, लोकेलाइज, डैट मीन्स जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जो एक ही एटम पे है वो आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आगे शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे लोन पेयर को काउंट करना है। और सिग्मा बॉन्ड डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना है, ये कोई भी कर सकता है, राइट? तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर ये तो बहुत ईजी काम बता दिया आपने, सिग्मा बॉन्ड अभी काउंट करके देता हूँ, लोन पेयर अभी देता हूँ। तो अगर तुम ये दोनों काउंट कर लिए तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, वो भी सिंपल ट्रिक से। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, हमने काउंट कर लिया, किसका काउंट करना वो भी क्लियर है, जितने भी सेंट्रल एटम हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, जितने भी सेंट्रल एटम हैं उन सब के सिग्मा और लोन पेयर को हमने काउंट कर लिया। अगर वो काउंटिंग, ध्यान से देखो, अगर वो काउंटिंग, ट्रिक का पॉइंट ये है, अगर वो काउंटिंग 31 आ रहा है या 40 आ रहा है, डैट मीन्स क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, या फिर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, इस टाइप से। पहला वाला सिग्मा है, जो नंबर फर्स्ट है वो सिग्मा है, सेकंड वाला लोन पेयर, सिमिलरली इधर जो नंबर है वो पहला सिग्मा है, दूसरा वाला लोन पेयर, तो ये काउंट कर सकते हैं, सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो। अगर वो 31 आ रहा है, 41 आ रहा है, 51 आ रहा है, 61 आ रहा है, अच्छा देखो ये नंबर याद रखना बहुत ईजी है, 31, राइट? उसके बाद 10041, 10051, 10061, वेरी सिंपल। 31 41 51 61 का क्या मतलब है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, अगर ये होता है तो ये स्ट्रक्चर आपको पक्का नॉन प्लेनर होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, कि अगर कहीं पे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, अगर ये आ रहा है तो ये सब भी आपके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, 40 उसके बाद 10 जोड़ो, राइट? सम में आपको कितना ऐड कर देना है, 10, तो 40 50 60 70, 40 से पहले 31 41 51 61, डेट्स वेरी सिंपल, ये नंबर याद रखना। अगर ये सिग्मा और लोन पेयर का काउंट, ध्यान रहे पहला सिग्मा है दूसरा लोन पेयर, अगर ये काउंट आ रहा है तो आपका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा, अदरवाइज हर केस में वो प्लेनर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की, आप मेरे ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो वेरी सिंपल, देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है CH4, तो इसमें आप काउंट कर लेंगे, राइट? 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, 40 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, राइट? तो नॉन प्लेनर। सिमिलरली इसमें काउंट करो तो आपके पास 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर आएंगे, राइट? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बताया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर। इसमें काउंट करो आपको 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 31 बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। इसमें काउंट कर लो
आपका 4σ 1 lone pair, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। कौन कौन था, 31, 41, 51, 61 and 40, 50, 60, 70, डेट ये टोटल 8 नंबर थे जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं। जैसे अगेन PCl5, तो इसमें क्या है, 5σ 0 lone pair, 50 हो गया तो नॉन प्लेनर। नाउ इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके कि इसमें आपके पास 4σ आ जाएंगे और 1 lone pair होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर से, नॉन प्लेनर। यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो सारे एटम हैं ये कार्बन है, राइट, और ये कार्बन अगर है तो सब में आप ध्यान से देखो, सब कार्बन का आपके पास 3σ 0 lone pair है, तो इसकी वजह से तो अभी तक ये प्लेनर है। बट इसको देख लो, ये वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल से, इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो इस नाइट्रोजन का अगर काउंट करेंगे हम तो उसमें भी 3σ और 0 lone pair अभी बोलना पड़ेगा, राइट। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। हमने बताया था कि वो लोन पेयर जो लोकेलाइज्ड हो, रुका हुआ हो, यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो सब 3+0 वाला है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका, प्लेनर। क्यों, क्योंकि वो उस नंबर में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 6σ 0 lone pair 60, तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। यहाँ पे 2σ 2 lone pair, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं था। यहाँ पे 4σ 2 lone pair, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लेनर। इस तरह से ऑर्गेनिक में भी दे दे आपको तो भी आप कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट लिखा था ऑल सेंट्रल एटम, यहाँ पे ये भी एक सेंट्रल है, ये भी एक है, ये भी एक है, सबका चेक करना आपको। तो यहाँ पे इसका देखें तो 4σ 0 lone pair, कोई भी एक अगर आ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, नॉन प्लेनर। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सारे कार्बन को चेक करना पड़ेगा, राइट, मॉलिक्यूल में जितने भी सेंट्रल एटम है सबको चेक करना है, और इन सब का 3σ 0 lone pair है, सबका 3σ 0 lone pair होगा, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा सेंट्रल एटम निकल गया जो आपका फॉलो कर रहा है इस नंबर को, 31, 41, 51, 61 को, और 40, 50, 60 और 70 को फॉलो कर रहा है, तो फिर वो नॉन प्लेनर होगा, बाकी केस में प्लेनर होंगे। देख लो, विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर आप प्रोफेसर के ट्रिक से बता सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल पोल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। नाउ मैं अब आपको एक और ट्रिक देने जा रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो देख लिए, उसके लिए वेरी सिंपल ट्रिक है मेरा, कंसेप्चुअल ट्रिक एंड ओनली ट्रिक्स। कंसेप्चुअल ट्रिक्स में ये पॉइंट है कि आपको अगर पता करना हो कि आपका गिवन मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसके लिए ये 4 पॉइंट को फॉलो करना है आपको। पहला पॉइंट ये है कि ड्रॉ एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान दें, एक्चुअल शेप मॉलिक्यूल का ड्रॉ करना है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैं बता रखा हूँ। उसके बाद क्या करना है, एक एरो ड्रॉ करना है या वैक्टर आपको, किधर से, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे उधर से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ आप क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, एक वैक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर लोन पेयर है सिर्फ तो क्या करेंगे सर, अगर मॉलिक्यूल डेट मीन्स सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है तो आपको ड्रॉ करना है एरो या वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम लोन पेयर, लोन पेयर से अवे ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर थिंक करना है कि जैसे वेक्टर में एडिशन करते हो वैसा ही आपको करना है। अगर रिजल्टेंट सारे जो आपने ड्रॉ किए एरो या वेक्टर उसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, उसमें नॉन पोलर बोलेंगे। और अगर वो रिजल्टेंट 0 नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे पोलर। ध्यान दें, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, बस देखना है कि रिजल्टेंट 0 होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर 0 हुआ तो नॉन पोलर, नहीं 0 हुआ तो पोलर। और वेक्टर में आपको मालूम है कि अगर ऑल वेक्टर इक्वल एंगल पे और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उसके रिजल्टेंट 0 होते हैं। नाउ ट्रिक्स, तो ट्रिक्स में देखो, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसमें देख लिया कि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हैं, जैसे PCl5, SF6, CH4 इस टाइप के, अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, तो पक्का वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन पोलर। आपको आँख बंद करके उसको बोल देना, नॉन पोलर।
सेकेंड पॉइंट कि अगर एक ही लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे अगर एक ही लोन पेयर है तो कैसे पहचानेंगे, तो वो पक्का फिर ऑलवेज पोलर होगा। अगर एक ही लोन पेयर है तो ऑलवेज पोलर। नाउ अगर दो लोन पेयर है सर, तो अगर दो लोन पेयर 180 डिग्री पे, डेट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल ऑलवेज आपका क्या होगा, नॉन पोलर। एंड अगर तीन लोन पेयर आ जाते हैं सर तो क्या होगा, तो अगर तीन लोन पेयर इक्वल एंगल पे आ रहे हैं, डेट मीन्स 120 डिग्री एंगल पे आ रहे हैं, एक ही केस ऐसा होता है, तो अगर तीन लोन पेयर इक्वल एंगल पे आ रहे हैं तो फिर मॉलिक्यूल आपका क्या रहेगा, नॉन पोलर। अगर अदर दो एटम फिर सेम है, अगर वो दोनों एटम डिफरेंट होंगे तो फिर पोलर हो सकता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर, एक लोन पेयर है तो पक्का पोलर, इसकी 100% गारंटी है, इसकी 100% गारंटी है कि अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम है तो नॉन पोलर होगा, अगर एक भी लोन पेयर आ गया है सेंट्रल एटम पे तो वो पोलर होगा। नाउ अगर दो लोन पेयर आते हैं और वो 180 पे हैं और उसके बाद सराउंडिंग एटम आपका सेम है तो फिर नॉन पोलर, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाएगा तो फिर पोलर हो सकता है, राइट। और थ्री लोन पेयर अगर इक्वल एंगल पर आ रहे हैं, अगेन सराउंडिंग एटम सेम है तो फिर नॉन पोलर होगा, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो फिर पोलर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, मैंने लिया CH4, तो मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ अपने ट्रिक से, राइट। कैसे कि आप ध्यान से देखो तो सारे सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट आप इसको बोलेंगे क्या, नॉन पोलर। यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नॉन पोलर। NH3 में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें वन लोन पेयर आ जाएगा, राइट। तो मेरे आप उस ट्रिक के पॉइंट से बता सकते हो, एक लोन पेयर है तो ये क्या रहेगा, ऑलवेज पोलर। अगर एक आपका लोन पेयर होगा तो सराउंडिंग एटम सेम हो, डिफरेंट हो, डजंट मैटर, आपका वो पोलर होगा। यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हो कि एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आपका पोलर। वाटर में दो लोन पेयर है, राइट, दो लोन पेयर है, बट दोनों लोन पेयर 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है, तो 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उस ट्रिक के पॉइंट से पोलर, राइट। SF4 में बात करें तो एक ही लोन पेयर है, राइट, अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, पोलर। तो अब ध्यान से देखो, मैंने ये वो वाले एग्जांपल लिया जिसमें विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर अगेन वी कैन से कि पोलर होगा नॉन पोलर होगा, और वो भी सिंपल रफी सर्किटरी से। क्या करना है, अगर सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर, और अगर एक ही लोन पेयर कंटेन कर रहा है तो पोलर, दो लोन पेयर है बट वो 180 पे नहीं है तो भी पोलर, और अगर यहाँ पे फिर से एक लोन पेयर है तो पोलर होगा, राइट। नाउ इधर आते हैं, कुछ ऑर्गेनिक के स्टेप से दे देंगे। तो ध्यान से देखो, तो ये एक सिमेट्रिक, यहाँ तक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, राइट, तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, जैसे इसके हाइड्रोजन से ये कैंसल आउट होंगे, ये सब एंटी पोजिशन पे सब कैंसल, और यहाँ पे Cl से Cl भी कैंसल हो जाएंगे, तो ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, राइट। नाउ अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे ही कंसर्ट से बच्चे बोल देते हैं कि इधर OH है, इधर OH है, कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं है, ये O पे दो लोन पेयर भी है, ये भी ध्यान रखो, राइट। तो और इसका स्ट्रक्चर वी शेप में बनाना है, इसलिए हमने ऐसा बना करके बताया, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कभी जीरो नहीं होने वाला है, तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा, पोलर, राइट। XeF4 में आप देख सकते हो दो लोन पेयर है, राइट, दो लोन पेयर है, सराउंडिंग चारों सेम है, और दो लोन पेयर है वो 180 पाते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे, इसको नॉन पोलर। अगर दो लोन पेयर हो और सारे सराउंडिंग सेम हो और लोन पेयर 180 पे आ रहे हो तो पक्का नॉन पोलर। वैसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास तीन लोन पेयर आएंगे और तीनों लोन पेयर जो है वो इक्वल एंगल पे, डेट मीन्स 120 पे, और सराउंडिंग अगेन सेम है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर। यहाँ पर ध्यान से देखो, सारे सराउंडिंग आइटम सेम तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो आप देख सकते हो विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर, अगर वो मेरे ट्रिक के चार पॉइंट अगर आपको मालूम है तो आप इजीली बता सकते हो। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात, तो देखो अगर मैंने NH3 लिया और NF3 लिया, ये लेने का मेन रीज़न ये है कि इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट। NH3 का आपका इस टाइप से हो जाएगा और NF3 का भी आपका इस टाइप से हो जाएगा, राइट। एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं,
नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी आपको बताया था जो मेरा कंसेप्चुअल ट्रिक था उससे कैसे आप पता करेंगे, उसका एप्लीकेशन की भी बात हो गई है। तो आपको बोला था कि ड्रॉ एक्चुअल शेप, तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक्चुअल शेप। सेकेंड पॉइंट की आपको एरो या वैक्टर ड्रॉ करना लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो हाइड्रोजन लेस है इससे मोर, बॉन्ड के अलोंग ही दिखाना है। तो एक वैक्टर इधर दिखाया मैंने, एक वेक्टर ये दिखाया, एक वेक्टर ये दिखाया, और इन केस ऑफ थर्ड पॉइंट लोन पेयर अवे फ्रॉम लोन पेयर तो एक ये दिखाया। तो आप देख सकते हो इसमें चारों वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में चारों वेक्टर ऐड होंगे। तो इसका रिजल्टेंट डेट इज म्यू डाइपोल मोमेंट, म्यू या रिजल्टेंट आपका ध्यान से देख सकते हो कि जीरो नहीं होने वाला, बस आपको ये देखना होगा या नहीं होगा, तो जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए यह मॉलिक्यूल कैसा रहेगा आपका पोलर। सेम इसमें भी लगाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, तो अब आपको एरो कैसे दिखाना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ आपको दिखाना है। अच्छा याद कैसे रखना है, तो ऑलवेज दुनिया का हर आदमी क्या क्या चाहता है, लेस से मोर की तरफ जाना, तो इसलिए लेस से मोर की तरफ दिखाना है। सिंपल यहाँ पे भी दिखा दिया यहाँ पे, और लोन पेयर में ऑलवेज अवे फ्रॉम लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तीन वैक्टर ऐड होंगे राइट, ऐड होकर के इस साइड में आएंगे आपका, और ये वेक्टर अपोजिट में होगा राइट। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो भी डाउन आ रहा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे भी आपका म्यू या रिजल्टेंट जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है पोलर। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब एक तरफ ही ऐड हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, इसमें तीन ऐड हो रहे हैं एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट थोड़ा कम होगा। तो कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि NH3 और NF3 में कौन ज़्यादा पोलर है, तो डेफिनेटली आपका NH3 ज़्यादा पोलर होगा। हेलो बच्चों कैसे हो, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी इजी ट्रिक देने जा रहा हूँ। देखो ट्रिक का ये मतलब नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, ट्रिक का मतलब है कि कंसेप्ट के साथ और चैप्टर की फीलिंग लेते हुए उस चीज़ को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली बना सकते हैं, उसका नाम है ट्रिक। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का है अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डैट्स वेरी सिंपल, मैंने एक पॉइंट लिखा है, ध्यान दो कि जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उसका मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4। इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि उसकी अपर लिमिट जो है वो फिक्स हो चुकी है। सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट हैं, और एलिमेंट हैं ही कितने, टोटल 8 हैं राइट सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसका अपर लिमिट मैंने फिक्स कर दिया है कि वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए उसको, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फिक्स हुई हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि अब उसके बाद मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा ये कैसे निकालेंगे, तो आप देख लो कि वो नॉर्मल कितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और मैक्सिमम जो हो जाएगा उससे फिर एक ज़्यादा कर देना है, नॉर्मल इन द सेंस कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जितना बनाएगा प्लस उससे एक ज़्यादा कर देंगे तो वो मैक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि मैंने एलिमेंट ले लिया, ध्यान से देखो P2 मतलब सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कौन कौन बनाएंगे, बेरिलियम बनाते हैं राइट गैस फेज में, बोरॉन बनाते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो बनाएंगे नॉन मेटल हैं, तो नियॉन तो खैर कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, नोबल गैस है। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे, नॉर्मल कितना बनाएगा, तो डैट्स वेरी सिंपल, बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये 2 बनाएगा राइट। यहाँ पे बाय द वे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है राइट, लुईस ऑक्टेट थ्योरी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है राइट, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो इसलिए नॉर्मल ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे राइट। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये चारों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो ये कितना नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 राइट। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है राइट, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा नॉर्मल, दो। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा 1। नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, 0। राइट, ये सभी को मालूम होता है, वेरी सिंपल लिखा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब मैक्सिमम कितना बनाएगा, तो ये वाला पॉइंट अप लगा दो। मैक्सिमम बॉन्ड नॉर्मल से एक ज़्यादा होगा, तो ध्यान से देखो ये मैक्सिमम कितना बनाएगा, नॉर्मल से एक ज़्यादा, और ये भी ध्यान रहे कि मैक्स कितना 4 ही हो सकता है, तो बेरिलियम नॉर्मल से एक ज़्यादा तो 3 और मैक्सिमम 4, तो चूंकि इसके पास दो दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो इसलिए कितना बना लेगा 4। राइट, बोरॉन में नॉर्मल 3 है उससे एक ज़्यादा करोगे तो 4। कार्बन में नॉर्मल 4 है उससे एक ज़्यादा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट फिक्स हो चुकी है, 4 ही बना सकता है, तो यहाँ पे 4। नाइट्रोजन नॉर्मल 3 मैक्सिमम उससे एक ज़्यादा, तो कितना हो गया 4। ऑक्सीजन नॉर्मल 2 नॉर्मल से एक ज़्यादा, तो कितना 3। राइट, एक्सट्रीम कंडीशन में फ्लोरीन नॉर्मल में 1 और उससे एक ज़्यादा, तो एक्सट्रीम कंडीशन में 2, और ये तो बनाएगा नहीं तो 0। ओके, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना बेरिलियम में क्या हुआ, दो दो वैकेंट ऑर्बिटल है, और चूंकि मैक्स लिमिट भी फिक्स है तो इसलिए वो 4 तक गया है। राइट, नॉर्मल से 2 ज़्यादा हो गया बाय द वे यहाँ पे, और जनरली बेरिलियम आपका मेटल में है, राइट, सिर्फ गैस फेज में वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। नाउ पीरियड नंबर 3 या फिर उससे नीचे वाले जितने भी, पीरियड 4, पीरियड 5, 6, 7, तो पीरियड 3 या उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है सबका नॉर्मल तो वही होगा जो सेकेंड पीरियड का रहेगा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की बात करें तो नॉर्मल कितना होगा 3, सिलिकॉन का कितना होगा 4, फास्फोरस का फिर से 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1। जेनॉन जो है, यू नो, ओनली नोबल गैस जो आपका बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, इसके बारे में बात भी करेंगे, तो ये 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, XgF2 इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं 2। नाउ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सम में कितना है 6, मैक्सिमम सम में कितना कर देंगे, ध्यान से देखो मैक्सिमम आपको सम में क्या कर देना है 6, एक्सेप्ट जो 17 ग्रुप वाला है इसमें मैक्सिमम 7, और ये जेनॉन भी आपका क्या बना सकता है 7। तो देखो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि कोई एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड पीरियड वाले का नॉर्मल सभी लोग इसे निकाल सकते हैं, मैक्स कैसे निकालेंगे, नॉर्मल से एक ज़्यादा। राइट, फिर थर्ड पीरियड वाले का जो, या उससे नीचे वाले का नॉर्मल तो वही रहेगा जो सेकेंड पीरियड का रहता है, मैक्स कितना होगा, तो सबका 6 होगा, 17 का 7 है और 18 का भी आपका 7 है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये आप कैसे कह रहे हो, ये तो ट्रिक है, ठीक है, क्या कैसे रहो, तो देखो मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया बोरॉन कि बोरॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p1। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑलवेज बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा, तो इस टाइप से इस कंडीशन में इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही बॉन्ड बना पाएगा, और चूंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, तो इसलिए इस कंडीशन में तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्साइटेड स्टेट, क्यों, क्योंकि इसके पास ध्यान से देखो तो 2 घर खाली हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, राइट, कभी भी इनर सेल वाले नहीं करते हैं, आउटर सेल वाले करते हैं, अब ये वाले को क्या करेगा, वो उठा कर करके यहाँ डाल सकता है, तो इसलिए मैंने एक्साइटेड स्टेट में ऐसा बनाया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए यहाँ पे इसके 3, तो इसलिए बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया था 3 नॉर्मल कंडीशन में, और एक्साइटेड कंडीशन में 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखो उसके बावजूद इसके पास एक ये घर खाली है, तो ये किसी से लोन पर ले सकता है, इसलिए ये लुइस एसिड भी कहलाएंगे, ये एसिड वो है जो लोन पर एक्सेप्ट कर लें, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी कहलाएंगे, इसलिए ये आपका कैटलिस्ट का भी काम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबका इन्फॉर्मेशन अभी से आप लेते जाओ, तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर फील हो गया होगा, क्योंकि बोरॉन ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहे 3 जो कि उसका नॉर्मल है, और मैक्सिमम 4 क्यों बना सकता है, वो मैक्सिमम 4 क्यों बना सकता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी एक ऑर्बिटल खाली है, तो वो किसी से एक और लोन पर ले सकता है, तो एक और बॉन्ड बना सकता है, तो बोरॉन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएंगे। वहीं पे थर्ड पीरियड वाला मैंने एक लिया क्लोरीन, तो इसका जो
लास्ट शेल है जेट इज 3s2 3p5, और डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसको मैंने यहाँ दिखाया 3s 3p, एस में 2 पी में 5, राइट। तो ये अभी ग्राउंड स्टेट कंडीशन है, राइट, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट। तो इस कंडीशन में ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसे HCl, राइट, या PCl5 एटसेट्रा। तो उस कंडीशन में जैसे HCl है, PCl5 है, PCl3 है, इन सब कंडीशन में क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, डेट मीन्स ग्राउंड स्टेट में बना रहा है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्या बोरॉन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना सकता है, नहीं, ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। क्या कार्बन ग्राउंड स्टेट में बना सकता है, नहीं, ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पे क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में बनाएगा तो एक बनाएगा, अब एक्साइट कर सकता है ये, क्यों, क्योंकि इसके पास पूरा डी खाली है, पूरा घर इसके पास खाली है, राइट। तो अगर वो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, राइट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को वो डी में लेके जाएगा, यहाँ वाले को ये एक्साइट करेगा। तो इसलिए मैंने वो दिखाया, ध्यान से देखो, ये 3s हो गया, ये 3p और ये 3d, डी वाले पूरे खाली थे, उसने 3p वाले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ किया, तो अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड हो गए। तो इसलिए ये कितना बॉन्ड बना सकता है, इस कंडीशन में 3 बॉन्ड बना सकता है। तो क्लोरीन आपका 1 बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बनाएगा, तो 3। सेकेंड एक्साइटेड मतलब इसको भी वो अगर एक्साइट कर ले 3p वाले दूसरे को, तो फिर देखो कितने अनपेयर्ड हो गए, 5। तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है उस कंडीशन में। सिमिलरली अगर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ध्यान से देखो, थर्ड एक्साइटेड में जाएगा तो इसको कर चुका है, ये इसको कर चुका है, इसको भी एस वाले को भी कर सकता है, डी पूरा खाली है, तो देखो ये इस टाइप का दिखेगा आपको। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें 7 अनपेयर्ड है, तो इसलिए 7 बना सकता है। इसलिए ध्यान से देखो, मैंने उस वाले में लिखा है कि मैक्सिमम ये 7 बना सकता है और नॉर्मल इसका 1 है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस इस तरह से आपको घर बना लेना है। अगर घर खाली है तो फिर वो पेयर्ड को अनपेयर्ड कर सकता है, जब घर ही नहीं खाली है तो फिर क्या करेगा, फिर उसके पास मजबूरी है तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकता ऑक्टेट को, जबकि थर्ड पीरियड वाले या उससे नीचे वाले एक्सपेंड कर सकते हैं अपने ऑक्टेट को, इसलिए वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट के भी एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए हम कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है कि विच कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, 5 बॉन्ड बना लिया, राइट, NCl5। तो यू नो नाइट्रोजन की मैक्सिमम औकात जो थी वो 4 ही थी, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं होगा। NCl3 बना सकता है नॉर्मल कंडीशन में, 3। OF4 ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो आपका 2 बॉन्ड बना सकता था और मैक्सिमम 3, यहाँ पे 4 है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता, OF4 क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, और वो कैसे, तो वो टेबल वाले ट्रिक जो दिए उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन नॉट एग्जिस्ट अगेन, ये और उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे PH5, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है और फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 हाइड्रोजन एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है। PH3 एग्जिस्ट होता है, बट PH5 नहीं बनते, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। HCl6 भी क्यों नहीं हो रहा, ड्यू टू एस्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि सल्फर के अगेन सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो HCl6 भी एग्जिस्ट नहीं होगा। वैसे ही SiBr4 ये भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, क्यों, ब्रोमीन का बड़ा साइज होने की वजह से सिलिकॉन 4 ब्रोमीन को संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे, डी ऑल। तो ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पे आपको वो टेबल से भी ऊपर थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट मैक बॉन्ड ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट, कौन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में, तो आप बोरॉन को देख सकते हैं, राइट, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में तो वो 1 ही बॉन्ड बना पाएगा, एक ही अनपेयर्ड है, तो इसलिए ये ऑलवेज एक्साइट, कार्बन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में तभी 4 बॉन्ड बना पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नाइट्रोजन तो आपका नॉर्मल स्टेट में बना सकता है, डेट इज 3 अनपेयर्ड होंगे तो 3 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NH3, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में कितने pi बॉन्ड होंगे या कितने pi d बॉन्ड होंगे, ये अगर पता करना हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग को बता रखा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, राइट। कभी भी पाई बॉन्ड जो बनते हैं, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड बनते हैं, वो ऑलवेज
प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड ऑलवेज प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ट्रिक का पॉइंट क्या है, तो वेरी सिंपल है, आप समझें कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेना है। दैट्स वेरी इजी, राइट, ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रखा हूँ, तो आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, इसलिए उस ऑर्बिटल को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, मतलब वो तो चला गया सिग्मा में तो वो पाई में यूज नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद जो ऑर्बिटल बचा हुआ है तो उसको यूज करेंगे हम किस में, पाई बॉन्ड बनाने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड होगा उतना ऑर्बिटल यूज होगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल, जो एलिमिनेट करने के बाद बचा है, राइट। एलिमिनेट करने के बाद जो ऑर्बिटल बचा है तो वो यूज होंगे पाई बॉन्ड बनाने में, और वो कितना पाई बॉन्ड बना है उससे हम पता कर लेंगे कि कौन कौन सा ऑर्बिटल फर्दर आगे यूज हुआ है, राइट। और एक तीसरा पॉइंट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी भी पी पाई डी पाई बॉन्ड की बात आ जाए तो आपको एक बार ये भी देखना है कि क्या सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है कि नहीं, क्योंकि थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट के पास ही डी ऑर्बिटल हैं, वैकेंट डी हैं, यू नो एक सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसलिए कभी भी पी पाई डी पाई की बॉन्ड की बात आए तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं जो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा हो या उसके नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने लिया SO3, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक का पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ईजी है, राइट, आप क्विकली ये ड्रॉ कर लेंगे, राइट। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर शेप बनाएं, जस्ट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपको मालूम है 3σ 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP2, इसमें 3σ है, राइट, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया SP2। तो वही कहने का मतलब है कि सल्फर ने अपना S यूज कर लिया, P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल 3 घर हो सकते हैं और D इसका पूरा बाकी है। तो इसने SP2 का मतलब क्या हो गया, S और 2P यूज कर लिए, ये सब तो किस में चले गए, सिग्मा में। अब इसका पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड इसने कितना बनाया, पाई बॉन्ड टोटल इसने 3 बनाया, राइट। तो 3 बनाया है, तो देखो एक ये P बचा हुआ है, तो ये जो एक पाई बॉन्ड बनाया वो किससे बना होगा, पी पाई से। सल्फर का भी पी यूज हुआ और ऑक्सीजन का तो पी यूज होगा, ऑक्सीजन के पास डी नहीं है। उसके बाद अभी भी ये दो और पाई बना रखा है, राइट, तो दो पाई आप कैसे बनाएगा, ये दोनों डी को यूज करेगा। तो इसलिए सल्फर का डी यूज हुआ, ऑक्सीजन का पी, तो ये दोनों बॉन्ड कैसे बना हुआ, सल्फर का डी है और ऑक्सीजन का पी है। तो इसलिए अगर मैं SO3 में बात करूँ तो पी पाई हो जाएंगे 1 और पी पाई डी पाई हो जाएंगे आपके 2। ये सल्फर का है, ये ऑक्सीजन का। तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं, XeOF4। तो आप क्या करेंगे, XeOF4 का आप नॉर्मल जैसे मन करे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, राइट। तो ये 6 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालो, ध्यान से देखो, 1σ 2σ 3σ 4σ और एक यहाँ पे 1σ 5σ और एक लोन पेयर, तो 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP3D2, राइट, क्योंकि 5σ 1 लोन पेयर है। SP3D2 कहने का मतलब क्या हो गया, S P में 3 और D। ध्यान से देखो, S यूज कर लिया इसने, P के तीनों यूज कर लिए इसने, D का भी 2, यहाँ तक तो वो किस में चला गया, सिग्मा में। उसके बाद इसमें पाई बॉन्ड काउट करो, तो पाई बॉन्ड कितना है, एक ही बनाया है, राइट। और वो किससे बनाएगा, तो आप ही सोचो, क्योंकि इसने S P और D भी 2 यूज कर लिया, तो ये वाला D यूज होगा, राइट। तो इसलिए इसमें पी पाई अगर पूछे तो वो तो 0, क्यों, क्योंकि जिन्होंने के पास अब पी बचा नहीं सब तो वो सिग्मा में यूज कर लिया। और पी पाई डी पाई की बात करें तो एक पाई बॉन्ड बना रखा है, इसलिए एक, पहले ये भी देखना है कि पाई बॉन्ड है कि नहीं, राइट। तो एक पाई बॉन्ड बना रखा है जिसमें जेनॉन ने अपना डी यूज किया, राइट, और ऑक्सीजन तो अभी भी अपना पी यूज करेगा। सिमिलरली सी में बात करते हैं, H3PO4, तो आप क्या करेंगे, पी डबल बॉन्ड हो OH, OH एंड OH, राइट। तो इसमें देख सकते हो 4σ है, तो SP3, 4σ 0 लोन पेयर से SP3 हो गया, मतलब फास्फोरस ने अपना S और P 3 यूज कर लिया, D इसका पूरा
खाली पड़ा हुआ है, एस और तीन पी यूज कर लिया यहाँ से, तो ये सब तो चलेगा उसके सिग्मा में। पाई बॉन्ड उसने कितना बनाया है, वन पाई बॉन्ड बनाया है, राइट। अब चूंकि पी बचा नहीं तो वो किससे बना होगा, डी से, तो इसलिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो पी पाई कोई पूछे तो जीरो, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस अपना पी पूरा का पूरा सिग्मा में यूज कर लिया है, और पी पाई डी पाई पूछे तो वो हो जाएगा वन, राइट। और ये किसका, मैंने फास्फोरस का लिखा, और ये ऑक्सीजन का। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं जितना पाई बॉन्ड होगा उतना पी पाई डी पाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। सिमिलरली H2SO4, तो H2SO4 आप बना लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, चार सिग्मा जीरो लोन पेयर से SP3, दैट मीन्स अगेन इसने S और तीन पी यूज कर लिया, तो अब जो भी पाई बॉन्ड बना इसने, दो पाई बॉन्ड बनाया, पाई कितना बना इसने, दो, तो ये जो भी बना वो किससे बना हुआ है बताओ, तो D से, क्योंकि P तो पूरा यूज कर लिया, तो ये दोनों D यूज किया होगा, तो इसलिए इसमें पी पाई बात करेंगे तो जीरो, और पी पाई डी पाई बात करेंगे तो वो दो, ये किसका, सल्फर का बात कर रहा हूँ, और ये ऑक्सीजन का। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन पी पाई डी पाई बॉन्ड, और मान लीजिए ये ऑप्शन आपके सामने है, राइट, पी पाई डी पाई बॉन्ड की बात हो रही है, तो एक करने का स्मार्ट तरीका ये है कि पी पाई डी पाई जैसे ही बोला तो हमें देखना है कि मॉलिक्यूल में एटलीस्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उससे नीचे वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, कार्बन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, तो इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है। सिमिलरली HNO3 में हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, तो यहाँ भी चेक ही नहीं करना आपको, राइट। यहाँ पे कार्बन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, तो यहाँ भी चेक ही नहीं करना, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा, डेट इज डी, और HClO4 में हो जाएगा, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, राइट, और तीन तीन पाई बॉन्ड है तो तीनों पी पाई डी पाई होंगे, तो ये करने का स्मार्ट तरीका हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू, विच मॉलिक्यूल कंटेन पी पाई एंड पी पाई डी पाई, तो दोनों कंटेन करना है, तो डेफिनेटली अगेन आपको वो मॉलिक्यूल सर्च करना है जिसमें थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट हो, तो इसमें तो चेक करना क्या है, बेवकूफ़ी है, और अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बचा H2SO4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हो जाएगा sp3 करने, मतलब कि S और P पूरा उसने यूज कर लिया, राइट, सिग्मा में, तो पाई बॉन्ड जो भी इसने बना रखा है दो, वो सब D से बना है, तो पी पाई यहाँ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा, C, क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो दो सिग्मा एक लोन पेयर से sp2, तो sp2 कहने मतलब कि S और दो P यूज किया है, तो अभी भी एक P बाकी है, तो उस P से उसने एक पी पाई बनाया होगा, और चूंकि इसमें पाई बॉन्ड दो हैं तो दूसरे वाले पाई बॉन्ड डी से बने होंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका रहेगा सी। तो चलिए अब हम जाते जाते ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात में यह है कि अगर कहीं पे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और वो sp3 आ रहा है, किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला sp3 आ रहा है, तो और उसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई कैलकुलेट करना हो, पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, तो वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उस मॉलिक्यूल में जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना ही नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4, तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप क्विकली हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp3, चाहे sp3 हो या उसके आगे हो, sp3d हो, sp3d2 हो, जो भी हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या उसके आगे वाला हो तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड उतना ही होगा जितना उसमें पाई बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में। जैसे फॉर एग्जांपल तो sp3 हो गया, तो अगर इसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड की बात करता वो, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि दो पाई बॉन्ड बनाया, तो कितने हो जाते हैं, दो, ये कहने का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ध्यान दें sp2 है, तो उस केस में नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं करना हो, तो जितना मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा उससे एक कम कर देना। फॉर एग्जांपल SO2, तो SO2 आप बनाओगे तो यहाँ पे दो सिग्मा एक लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, राइट, तो इसलिए पी पाई डी पाई अगर आपसे पूछे तो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, दो पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डेट इज दो माइनस वन, तो कितना हो जाएंगे, हेलो बच्चों कैसे हो, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चार स्मॉल ट्रिक्स या कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं। तो देखिए ट्रिक नंबर 1, राइट,
कि अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपेरिजन करना हो, अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है और पूछा जाए किस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ये चार पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन कि आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है, राइट, जो आपको बता रखा हूँ ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में, हाइब्रिडाइजेशन वाले में, राइट। हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 ये सब अगर आ रहा है, डैट मीन्स डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, तो यू नो sp में सबसे ज़्यादा एंगल होता है 180, sp2 में कितना होता है 120 डिग्री, राइट, इसमें 180 डिग्री होते हैं, और sp3 में 109 28 मिनट होता है, जिसको मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ 110, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो sp वाले का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उससे कम sp2 का होगा, उससे कम sp3 का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, BF3 में sp2 है तो फिर इसका होगा, CH4 में sp3 है तो सबसे कम इसका होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर टू कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तब क्या करेंगे सर, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है तो आपको फिर चेक करना है लोन पेयर, अगर लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, क्यों, क्योंकि यू नो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, लोन पेयर के बीच, अगर दो लोन पेयर होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो उसके रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड पेयर के बीच एंगल कम हो जाएगा, तो इसलिए लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होंगे, उससे कम रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होता है। तो कहने का सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अपने चेक किया वो सेम आ रहा है और लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 NH3 H2O, इन तीनों में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो तीनों में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे 0 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लोन पेयर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल में कम हो जाएंगे, तो इसीलिए आपका ये ऑर्डर रहेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाता है लोन पेयर भी सेम हो जाता है, ध्यान से देखो जो पॉइंट सब लिखे हमने एक सीरियल ऑर्डर में लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सेम है बट लोन पेयर डिफरेंट हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर सेम है लोन पेयर भी सेम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सराउंडिंग एटम अगर सेम है और सेंट्रल एटम डिफरेंट हो रहा है, सराउंडिंग सेम है बट सेंट्रल डिफरेंट हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल NH3 PS3 में तो देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3 sp3, लोन पेयर सेम 1-1 लोन पेयर, सराउंडिंग सेम हाइड्रोजन, तो अब हम किससे जाएंगे, सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये रहेगा। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल सेम है बट सराउंडिंग अगर डिफरेंट है तब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल NF3 और NCl3 दोनों में हाइड्रेशन sp3, लोन पेयर दोनों में सेम 1-1, सेंट्रल एटम सेम नाइट्रोजन, सराउंडिंग डिफरेंट हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। यहाँ पे ध्यान दे उल्टा है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो यू नो उनके बीच रिपल्सन होंगे तो उसके वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो इस केस में बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर होगा। तो ये तीन पॉइंट क्लियर होगा। चौथा पॉइंट ये है कि अगर मोर देन वन लोन पेयर है तब क्या करेंगे सर, तो अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्चुअल शेप उसका ड्रॉ कर लो, जो कि हाइब्रिडाइजेशन वाले ट्रिक में बता रखा हूँ, एंड देन उसके बाद आप फाइंड आउट करो। जैसे XgF2, तो यू नो XgF2 का शेप जो हो जाएगा एक्चुअल में कैसा हो जाएगा, आपका लीनियर हो जाएगा, ये तीन लोन पेयर की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे 120 पे, तो एक फ्लोरीन प्लेन के अप और एक फ्लोरीन प्लेन के डाउन। और XgF4 में कैसा रहेगा, ये 180 पे लोन पेयर कैंसिल और ये चार फ्लोरीन आपके एक प्लेन में। तो इसलिए मैं बोला कि अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो बेटर है कि आप शेप ड्रॉ कर लो। अब आपको पता लग गया लीनियर है, 180 डिग्री है, और जबकि ये 90 डिग्री इनके बीच है, राइट। तो इसलिए बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा XgF2 में होगा इन कंपेरिजन ऑफ XgF4। तो वेरी सिंपल, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो sp का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम sp2, उससे कम sp3, हाइब्रिडाइजेशन सेम है लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा,
अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो सेंट्रल और सराउंडिंग पे जाकर के देखेंगे। अगर सराउंडिंग सेम, सेंट्रल डिफरेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। सेंट्रल सेम है लेकिन सराउंडिंग डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। और अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर आ रहा है तो फिर आप एक्चुअल शेप ड्रॉ कर करके फिर चेक कर लें बॉन्ड एंगल क्या है उसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, डेट इज इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंटर मॉलिकुलर अपने आप में सजेस्ट कर रहा आपको कि दो मॉलिकूल के बीच में बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने बॉन्डिंग की बात की थी वो दो एटम के बीच, जैसे HF तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम के बीच जो बॉन्डिंग है, डेट इज केमिकल बॉन्ड, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। अब HF एक मॉलिक्यूल बन गया, दूसरा HF एक मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। या फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया और HF का एक मॉलिक्यूल, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। HF के बीच भी एक अट्रैक्शन है, डेट इज केमिकल बॉन्ड, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग होगी डेट इज इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डैट्स वेरी सिंपल, ये टोटल 5 टाइप के हो जाएंगे और नेम से ही क्लियर होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आयन डायपोल नेम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, एक आयन होना चाहिए। आयन कब बनेगा, जब आयनिक कंपाउंड होगा। तो आयन डायपोल मतलब पोलर कंपाउंड को भी, और इसका मैं ट्रिक दे रखा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो आयन डायपोल मतलब एक आयन होना चाहिए और एक डायपोल, डेट मीन्स आयन में आइदर कैटायन हो सकते हैं या एनायन हो सकते हैं, और डायपोल मतलब कोई पोलर कंपाउंड। एग्जाम्पल अगर बात करें आप, तो जैसे Na प्लस और वाटर, तो ये आयन हो गया और वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा। सिमिलरली Cl- एनायन हो गया और HF ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा। दूसरा है डायपोल डायपोल, तो डायपोल डायपोल मतलब दोनों मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी। जैसे सिर्फ H2O, तो H2O के एक मोल भी लिए तो यू नो 6×10^23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर कंपाउंड है वाटर, इसलिए इनके बीच क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। या फिर वाटर में आप NH3 कोई दूसरा ऐड कर दें तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस डायपोल। आयन इंड्यूस मतलब आयन ने इंड्यूस किया है, राइट, इसलिए आयन हो गया तो कैटायन या एनायन होगा, और इंड्यूस डायपोल मतलब पहले से वो पोलर नहीं था इसलिए वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल Na प्लस और Cl2 के बीच, या फिर Na प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच, तो ये आयन हो गया आपका और ये नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। तो अगर कैटायन या एनायन प्लस नॉन पोलर कंपाउंड के बीच अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो उसको बोलेंगे आयन इंड्यूस। इसको मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ, आयन इंड्यूस का क्या मतलब है। जैसे सपोज करो कि आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो, आपने अपने दोस्त को कॉल किया कि मूवी देखने चलना है, तो वो मना करेगा, राइट, कि मुझे पढ़ना है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने लगा। लेकिन अगर आपने एक बार तो बोल दिया कि ये मूवी मैं दिखाऊंगा, तो फिर वो इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही कि ये कैसा था, नॉन पोलर था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसके प्रेजेंस में आकर के ये पोलराइज हो गया है, तो इसलिए आयन इंड्यूस। वैसे ही डायपोल अगर इंड्यूस करेगा तो डायपोल इंड्यूस, तो इसमें एक पोलर कंपाउंड का होना जरूरी है और एक नॉन पोलर का। फॉर एग्जाम्पल वाटर पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस, क्योंकि डायपोल ने इंड्यूस किया, यहाँ पे आयन ने किया था, इसलिए आयन इंड्यूस। एंड लास्ट लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, डेट इज सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ये नॉन पोलर कंपाउंड के बीच लगेंगे या मॉलिक्यूल के। फॉर एग्जांपल Cl2, तो ये नॉन पोलर है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको लंडन या डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे। सिमिलरली मीथेन, CO2 जितने भी नॉन पोलर है उसको। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है कि इसमें सबसे स्ट्रांग कौन होगा, तो मैं उसी ऑर्डर में लिखाऊँ, सबसे स्ट्रांग आपका 1 होगा, डेट इज आयन डायपोल, फिर 2 होगा, डेट इज डायपोल डायपोल, फिर उससे कम 3 होगा आयन इंड्यूस, फिर चौथा होगा डायपोल इंड्यूस, एंड लास्ट में 5वां होगा। ये इसके स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल है, क्योंकि नेम से ही ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इसमें ये जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, ये पढ़ा क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल केस है, डेट इज एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग डायपोल डायपोल में एक स्पेशल केस है एच बॉन्डिंग, जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो उसका सिंपल सा ट्रिक क्या है आपको, कि आप कैसे पहचानोगे कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं। तो दैट्स वेरी सिंपल, आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड फोन से है कि नहीं। फोन का मतलब यहाँ पे कि हाइड्रोजन अगर डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, अगर इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल H2O, तो यू नो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा NH3। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ हो जाएगा HF। फ्लोरीन से अटैच है तो हो जाएगा अल्कोहल को भी लो या फिनॉल लो, तो उसमें हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हो जाएगा। कोई एसिड ग्रुप ले लो तो उसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हो जाएगा। ध्यान दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आपका वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसका स्ट्रक्चर, राइट? कैसे? तो ये तीन हाइड्रोजन कार्बन पे हैं, तो इसलिए ये ध्यान दें, ये नहीं कि बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा मॉलिक्यूल में तो हो जाएगा। कनेक्शन होना चाहिए, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए फोन से। यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से कनेक्ट है, ऑक्सीजन से नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो पहले तो आप पहचानना सीख गए, राइट, कहाँ कहाँ होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, कि अगर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना हो किसी मॉलिक्यूल में, तो डैट इज़ वेरी सिंपल। देखो आपको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है, क्या लोन पेयर ऑन फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे लोन पेयर काउंट कर लेना है, कितना लोन पेयर है और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में कितना हेच कनेक्टेड है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बना रखा है, ये दोनों काउंट कर लेना है। इन दोनों में जो सबसे कम आएगा, लिस्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में जो नंबर सबसे कम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, डैट विल गिव यू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NH3 में बात करूं, तो यहाँ पे लोन पेयर अगर बात करूंगा N पे तो 1 होगा, और नंबर ऑफ H बॉन्ड की बात करूंगा तो वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे लिस्ट कौन हो गया, ये 1, तो इसलिए H बॉन्ड इसका कितना हो जाएगा, 2 × 1, डेट इज 2। तो अमोनिया में अगर कोई पूछ ले कितने H बॉन्ड हैं, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो 2। सिमिलरली अगर वाटर में बात करें, तो यू नो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी आपका 2 है, और नंबर ऑफ हेच कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन तो ये भी 2 ही हैं। तो यहाँ पे बाय द वे दोनों सेम है, तो किसी एक को भी लिस्ट मान सकते हैं। तो 2 × 2 डेट इज 4, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हेच बॉन्ड से घिरा हुआ है। ओके, सिमिलरली अगर HF में बात करें, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हो गए 3, और नंबर ऑफ हेच कनेक्टेड विथ फ्लोरीन तो वो 1 ही है, तो लिस्ट इसमें 1 हो गया, तो 2 × 1 डेट इज 2। तो इसका मतलब इसमें HF के एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। वैसे ही अगर मैं अल्कोहल में निकाल लूँ या फिनॉल में, तो 2 लोन पेयर है, LP आपका हो गया 2, और नंबर ऑफ हेच कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो वो 1 ही है, तो अगेन 2 × 2, ये लिस्ट हो गया 1, तो यहाँ पे 2। तो अल्कोहल या फिनॉल में एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से घिरा हुआ होगा। तो नंबर ऑफ हेच बॉन्ड कोई मॉलिक्यूल कितना बनाएगा, उसके लिए ये पॉइंट नंबर 2 वाला ट्रिक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे मैंने बोला कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो 2 होगी, तो किस तरीके से, ध्यान से देखो, ये HF का एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये एक मॉलिक्यूल इधर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना इधर से, राइट, जिगजैग मैनर में ये बनाता है, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं वाटर में बात करूं, तो ये वाटर का मेरा एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, एक ये, एक इधर से 2, एक ये वाला 3, और एक ये 4, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सराउंडेड है, 4 हेच बॉन्ड बनाएंगे, कैसे, तो उसके लिए यहाँ आपको ट्रिक दे रखा हूँ कि हमने कैसे निकाला है, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे आप निकाल लोगे। नाउ द क्वेश्चन है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल, ये वाला सिंगल
एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा HF में होगा, फिर उससे कम H2O में, उससे कम NH3 में। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा पोलारिटी आएगा, उतना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी। तो सिंगल अगर पूछा तो ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ओवरऑल की बात कर रहा है वो, और ओवरऑल में वाटर ज़्यादा हो जाएगा HF से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो वाटर में 4 H बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में, जबकि इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 ही हैं, राइट। इसलिए वाटर आगे आ जाएगा, फिर HF होंगे, फिर NH3। इसको अगर समझना हो तो सिंपल से मान लो, अगर सिंगल H बॉन्ड जो HF में उसका अगर मान लेते हैं स्ट्रेंथ 5 है, और वाटर में मान लेते हैं कि इसका 3 है, राइट। तो ओवरऑल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसका बात करेंगे तो 3, 4, 12। तो देख सकते हो ओवरऑल वाटर जीत गया, राइट। तो इसलिए वाटर का ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटर मॉलिकुलर और एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर। तो पहले तो इसमें ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं सिंपल समझा रहा हूँ। इंटर सिटी होता है, दो सिटी को कनेक्ट करते हैं। तो इंटर में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग हो रही है तो उसको फिर इंटर मॉलिकुलर बोलेंगे, दो मॉलिक्यूल मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। और इस टाइप के जो इंटर मॉलिकुलर होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं इंट्रा से। इंट्रा में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है कि 5 या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। अगर 5 मेंबर रिंग बन रही है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या 6 मेंबर रिंग बन रही है, तभी जाकर करके इंट्रा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इंटर में दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें 1 मॉलिक्यूल। ये पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर में, तो यू नो एक वाटर में तो होगा नहीं, एक और वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तब जाकर के होगा। तो दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुआ, इसलिए इसमें इंटर मॉलिकुलर। NH3 में दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, HF में, अल्कोहल में, एसिड में, सब में दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए इंटर मॉलिकुलर होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखूं, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखा और इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इससे ही कर सकता है, इस ऑक्सीजन से, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए आपको पहले बता रखा हूँ कि हाइड्रोजन का कनेक्शन एक तो खुद फोन्स होना चाहिए, और वो दूसरा जो बॉन्डिंग जो डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ वो भी फोन से ही वो शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे काउंट करो, ये जो 5 या 6 मेंबर रिंग का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका इंट्रा मॉलिकुलर हो जाएगा। तो ये ऑर्थो पोजिशन पे, राइट, तो इसलिए हो जाता है। अगर यही मेटा पे होता तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा हो जाता, 5 या 6 ही बनना चाहिए। इसलिए मेटा पे कभी भी आपका इंट्रा नहीं होगा, और पैरा पोजिशन पे भी कभी इंट्रा नहीं होगा, क्योंकि 5 या 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर इस टाइप के मॉलिकुल में बात करें, तो अगेन आप पहले क्या कर लो, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दो, राइट, ये OH और ये OH। तो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, और H बॉन्डिंग होने के लिए अगर ये इधर से ये किया तो आप रिंग काउंट करो, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। तो ये 6 नंबर बन रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका इंट्रा मॉलिकुलर हो जाएगा। सपोज करो यही OH की पोजिशन अगर यहाँ होती तो फिर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपका कितना मेंबर रिंग हो जाता, वो 6 से ज़्यादा हो जाता। या फिर यही OH अगर यहाँ पे होता, अगर मान लो इसी को मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आपका मान लो कि OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे है, तो क्या यहाँ पे इंट्रा होगा कि नहीं, तो आप करके देख लो, आप ड्रॉ करके देख लो, 5 या 6 मेंबर बन रहा है क्या। तो ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 मेंबर बन रहा है, इसका मतलब इस पोजीशन पे हो जाएंगे, राइट। तो 1-2 पोजीशन पे हो जाएगा, 1-3 पोजीशन पे हो जाएगा, ये 1-2 पोजीशन है, ये 1-3 पोजीशन है, इनमें तो हो जाएंगे, लेकिन 1-4 पोजीशन पे लेता तो फिर इंट्रा नहीं होता, तो फिर क्या होता, इंटर होता। तो इंट्रा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 5 या 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड नाउ लास्ट कंसेप्ट या ट्रिक, कि अगर आपको कहीं पे कोवलेंट कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन पूछ रहा हो या मेल्टिंग पॉइंट का, तो आप
कैसे करेंगे? देखो जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वही मेल्टिंग पॉइंट का होता है, डेट इज ओके, लेकिन हर जगह पे वह नहीं लगता, इसलिए मैंने बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक या कंसेप्ट लेके आया हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बोलेगा तो आपको ऐसे चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसे चेक करना है, कोई कन्फ्यूजन का सीन नहीं होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी आपको चेक करना हो कोवलेंट कंपाउंड में, ये ध्यान रहे, तो सबसे पहले आपको सर्च करना है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से, एक्स्ट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे आगे आप एच बॉन्ड वाले को रख देंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो चेक करो कि वो मॉलिक्यूल पोलर तो नहीं है, अगर वो पोलर है तो फिर उसका ज़्यादा होगा नॉन पोलर वालों से, अगर सारे ही के सारे नॉन पोलर हैं तो फिर उस केस में कैसे करेंगे, तो फिर जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो वेरी सिंपल है, पहले आपको चेक करना है हेच बॉन्ड है कि नहीं, अगर हेच बॉन्ड है तो उसको सबसे आगे करना है, नहीं है तो पोलारिटी चेक करो, अगर पोलर है तो वो फिर आगे होगा, और अगर पोलर भी नहीं है सारे नॉन पोलर हैं तो फिर उसमें आप देखो जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रांच हो गया, राइट। तो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया कम होंगे तो कम ही एरिया में हीट करना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट नॉन ब्रांचिंग का ज़्यादा होगा ब्रांचिंग वन से, यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि सरफेस एरिया पर डिपेंड कर जाएगा, राइट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का हो गया। मेल्टिंग पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या चेक करना है, सिमेट्री, मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होगी, और अगर पैकिंग अच्छी होगी तो फिर बॉन्डिंग अच्छी होगी एक तरीके से, तो फिर मेल्ट होने में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ध्यान से देखो इसमें एक सिमेट्री आ रही है, राइट, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, इधर सीएल है तो इधर नहीं है, इधर सीएल है तो इधर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ नॉन सिमेट्रिक से। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक वाले इस टाइप से अगर पूछ लिया जाए तो अगेन वही सिमेट्रिक का पॉइंट लगाना है कि इसकी सिमेट्री बहुत सही है, राइट, सिमेट्रिक है, या फिर यू कैन से कि नॉन ब्रांचिंग वाले, ये इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉन ब्रांचिंग वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ब्रांचिंग वन से, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज़ें उल्टा हो रही है। तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसा कंसेप्ट बना लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वही मेल्टिंग पॉइंट का, ये 100% करेक्ट नहीं है, कहीं कहीं पर उल्टा भी है, इसलिए हम कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमें चेक करना है। हेलो माई फ्रेंड्स, कसकाय, जहाँ है रफ़ी सर वहाँ से ख़त्म होगा केमिस्ट्री का डर। आज मैं जो आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को 20 सेकेंड के अंदर में कर सकते हैं। तो ट्रिक में जाने से पहले जो छोटी सी ज्ञान की बात है वो हम देख लें। ज्ञान की बात में ये है कि आपको ये थ्योरी अप्लाई किस में करना है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करना है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन द सेंस आइदर N2, O2, H2 एटसेट्रा। और ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे कि ये मैंने 3 एग्जांपल लिया, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक CO, NO, CN-। बस द थिंग इज कि टोटल जो एटम होना चाहिए वो 2 होने चाहिए, इसलिए मैं इसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। तो इसमें अप्लाई करना है। ज्ञान की बात 2 में ये है कि ये थ्योरी अप्लाई कहाँ पे करना है, आपको 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही करना है, 1 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन तक आपको अप्लाई करना है। तो डैट मीन्स हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक में ही अप्लाई होगा, क्योंकि यू नो डाई एटॉमिक लेना है, तो हाइड्रोजन हम लिखेंगे तो H2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एनी लिखूंगा तो Ne2, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी Ne2 एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा वो तो हम इस थ्योरी से देख लेंगे। तो कहने का मतलब कि आपको जो एलिमेंट देखेंगे इस थ्योरी में वो हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक होंगे। आप देख सकते हो कि हमने जो एग्जांपल लिया वो हाइड्रोजन से नियॉन के अंदर वाले ही हैं। और जो पॉइंट नंबर 3 है कि आपको इसमें करना क्या है, तो काउंट कर लेना है टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक नंबर, जो भी एलिमेंट होंगे उसके एटॉमिक नंबर का सम, और चार्ज को प्लस या माइनस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास N2 है तो यहाँ पे यू नो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मेरे पास CN- है
तो यू नो कार्बन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 हो गए, तो 13, और माइनस वाले को मतलब वो कर्ज ले लिया है, ऐड हो गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। ऐड कर देंगे, माइनस होगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस होगा तो ऐड करना है, प्लस होगा चार्ज तो सब्सट्रैक्ट करना है। वेरी सिंपल। सिमिलरली जैसे मान लो कि मेरे पास NO प्लस है, तो डैट मीन्स नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन के 8, 15 हो गए, बट प्लस का मतलब एक दे दिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 14। तो ये ज्ञान की बात में ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी आपको लगाना, क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे लगाना है, तो वेरी सिंपल, डायटोमिक मॉलिक्यूल में लगाना है। डैट डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी सेम और डिफरेंट एटम से बने हो सकते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डेट मीन्स हाइड्रोजन से नियॉन तक वाले एलिमेंट आपको दिखेंगे, तो वहाँ से पता लगेगा कि ये थ्योरी अप्लाई करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, कैसे, सम ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड अगर प्लस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देना, माइनस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। सबसे पहले देखो ट्रिक नंबर 1 में, यू नो मैंने रेफरेंस लिखा है नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में सबको आइडिया है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन का 7, दो नाइट्रोजन है तो 14। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इन द सेंस दो एलिमेंट के बीच में कितना बॉन्ड बना हुआ है। तो यू नो नाइट्रोजन रेफरेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में सबको मालूम है इसमें 3 बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ये सभी को मालूम है, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो 14 को मैंने क्या किया, रेफरेंस लिया। अब 14 के इस साइड या 14 के इस साइड में जाऊं, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि 20 तक लगाना था, और इस साइड भी उतना ही नंबर बैक में 13, 12, 11, 10, 9, 8, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख दिए। जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होंगे उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, वेरी इजी। ना उसके बॉन्ड ऑर्डर, तो 14 के लिए आपको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 ऑलरेडी, ये आपकी आंखों के सामने है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप आइदर साइड जाओ, 14 के इस साइड जाओ या 14 के इस साइड जाओ, आपको 0.5 क्या करते जाना है, कम करते जाना है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 2.5, फिर 0.5 कम करेंगे तो 2, फिर 0.5 कम करेंगे तो 1.5, फिर 0.5 कम करेंगे तो 1, फिर कम करेंगे तो 0.5 और ये 0। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर मुझे याद हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिखूँगा। इधर देखो फिर इधर भी जाना है तो 0.5 कम करना आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, ये 2, 1.5, 1.5, 0। क्लियर हो गया, 8 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर याद हो गया। नाउ 1 से 8 का कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले इवन नंबर को मैं ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, इवन नंबर को मैंने ले लिया, और आपको इवन नंबर वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2 वाले में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे कर देना है। इवन नंबर को मैंने पिकअप किया है और 1, 0, 1, 0, बाकी जो भी बच गया सब में क्या भर दो, 0.5 भर दो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। देखो बहुत ही सिंपल है, इवन वाला 2, 4, 6, 8 को मैंने लिया, 1, 0, 1, 0 किया और बाकी जो भी बचा सब में 0.5 भर दिया, तो 1, 2, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करके आ रहा है। तो ये वाले मेथड से आप बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे, और 8 से लेकर के 20 आ रहा है तो ये वाले मेथड से बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे। एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया, BO इन द सेंस बॉन्ड ऑर्डर, B मतलब बॉन्ड एनर्जी, S मतलब स्टेबिलिटी, BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ, ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल उतना क्लोज आया, तो बॉन्ड लेंथ उतना क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए सिर्फ बॉन्ड लेंथ क्या चलेंगे, इन्वर्स में, बाकी सारे क्या चलेंगे, डायरेक्टली। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे सिंपल आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर। एक बार बॉन्ड ऑर्डर आ गया सबका ऑर्डर आ चुका है। नाउ ट्रिक नंबर 2 कि
आपको पूछा जा सकता है कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन द सेंस कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, और डायमैग्नेटिक इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो रिपेल होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पता लगाएंगे, तो अगेन रफ़ी सर का ट्रिक है, कैसे कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। अगर वो काउंट ऑड नंबर आ रहा है, लाइक 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर आ रहा है तो डायमैग्नेटिक, लाइक 2, 4, 6, 8। नाउ द ओनली एक्सेप्शन इज कि 10 अगर आ रहा है डेट इज इवन नंबर बट वो होगा पैरामैग्नेटिक, 16 आ रहा है डेट इज इवन नंबर बट अगेन वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो 10 और 16 इवन नंबर है उसमें पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी रेस्ट जितने भी ऑड होंगे तो उसमें तो वो पैरामैग्नेटिक है ही, इवन में डाया होंगे। तो हम कह सकते हैं गर्व से कि बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड लेंथ का, पैरामैग्नेटिक का, डायमैग्नेटिक का, सबका बदला लेगा रे तेरा रफ़ी सर का ट्रिक। नाउ अब हम बात करते हैं उस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बीओ का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, और पी का मतलब है पैरामैग्नेटिक, डी का मतलब है डायमैग्नेटिक। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, टोटल 16 एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। तो देखो मॉलिक्यूल या आयन का एक कॉलम है और उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है 10 सेकंड के अंदर में, बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपके सामने आ चुका है। नाउ तो क्वेश्चन इज कि कैसे करेंगे। N2 तो यू नो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दो नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे O2 तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 to the 16 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस 16 और एक और आ गया तो 17 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस 16 और दो तो 18 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस तो 16 में से एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। C2 6 टू द 12, B2 5 टू द 10, CN माइनस कार्बन के 6 नाइट्रोजन के 7, 13 और एक माइनस तो 40। तो ये बहुत इजी वे में आ गया। नाउ देखो बॉन्ड ऑर्डर, चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही काउंट हुआ बॉन्ड ऑर्डर, 14 के लिए हमने क्या बोला था 3, 16 कैसे हो गया 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, तो दो बार 0.5 कम करेंगे तो 2, 17 में और 0.5 कम होगा तो 1.5, 18 में और 0.5 कम होगा तो 1, 15 में 14 के जस्ट क्लोज है 0.5 कम होगा तो 2.5, 12 में 14 के बाद 13, 13 के बाद 12 तो कितना हो जाएगा 2, 10 में आपका कितना आ जाएगा 1, 14 में अगेन 3। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे, 14 इवन नंबर तो डायमैग्नेटिक, 16 इवन नंबर बट एक्सेप्शन तो पैरामैग्नेटिक, 17 ऑड तो पैरामैग्नेटिक, 18 इवन तो डायमैग्नेटिक, 15 ऑड तो पैरामैग्नेटिक, 12 इवन तो डायमैग्नेटिक, 10 इवन बट एक्सेप्शन तो पैरामैग्नेटिक, 14 इवन तो डायमैग्नेटिक। तो देख सकते हो आप कैसे मैं ईजी वे में कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए आप, तो NO नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 तो कितना हो गया 15, NO प्लस तो 15 में से एक चला जाएगा तो 14, C2 2 माइनस 6 टू द 12 और दो और आ गए तो 14, He2 प्लस He का दो, दो He है तो 4, एक प्लस तो 3, Li2 प्लस लिथियम का 3, दो लिथियम है तो 6, एक चला गया तो 5, B2 5 टू द 10, Ne2 10 टू द 20, B2 4 टू द 8। तो देखो बहुत ईजी है इलेक्ट्रॉन काउंट करना। नाउ अब इसके बॉन्ड ऑर्डर, तो 15 है तो 14 के जस्ट बाद वाला तो 2.5, 14 है तो 3, 14 है तो 3, 3 है तो बताया था 2, 4, 6, 8, 1010, तो ये 2 के बाद वाला है तो 0.5, ये 4 के बाद वाला है तो 0.5, बाकी सब में 0.5, इवन नंबर में सिर्फ 1010 था, 10 है तो 1, 20 है तो 0, 8 है तो 0। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, जैसे आप देख सकते हो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा। यही रीज़न है कि नियॉन आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली गैस फेज में बेरिलियम भी आपको एटॉमिक फेज में मिलेगा, नॉट डायटॉमिक फेज में। नाउ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक की बात करें तो 15 है ऑड तो पैरा, 14 है तो इवन तो डाया,
14 है इवन तो डाया, 3 है ऑड तो पैरा, 5 है ऑड तो पैरा, 10 ध्यान रहे इवन है बट एक्सेप्शन तो पैरा, 20 इवन है तो डाया, 8 इवन है तो डाया। तो आप देख सकते हो मेरे ट्रिक से कैसे इजीली एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी सब डायरेक्टली होंगे, बॉन्ड लेंथ सिर्फ इन्वर्सली होगा। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि ये थ्योरी आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो सिर्फ गैस फेज में। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे C2 हमने लिया है तो ये गैस फेज में, नॉट सॉलिड या लिक्विड। N2 लिया है तो ये गैस फेज में, या कहीं पे हमने अगर मान लो कि B2 लिया है तो ये भी गैस फेज में। तो सिर्फ गैस फेज में जब एलिमेंट होंगे तभी अप्लाई करना है। और सेकेंड पॉइंट डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि C2 इज़ द ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज़ हैविंग बोथ बॉन्ड एज पाई बॉन्ड। क्योंकि C2 में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो C2 डैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 12 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा आपको 2। तो इसमें जो दोनों बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच जो दोनों बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब डायग्राम का ट्रिक दूंगा तो वहाँ पे इसको मैं क्लियर भी करूँगा। एंड कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विच विल नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डैट मीन्स आपको क्या देखना है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने का मतलब कि वो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड ही नहीं बना, इसलिए वो मॉलिक्यूल डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को फील करेंगे और मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी फील करेंगे, ताकि ये स्ट्रक्चर आपकी नज़रों के सामने एकदम बैठ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, राइट? तो ध्यान से समझो कि जो इसमें सबसे वाला कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो प्लस माइनस को क्या मान लेते हैं कि ये चार्ज है, राइट? सबसे वाला कन्फ्यूजन क्या मान लेते हैं कि प्लस माइनस जो है वो चार्ज है। यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस आपको क्या बता रहा है कि फेज उसका कैसा है, और मैं उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करूँ तो उसका नेचर कैसा है, राइट? तो जहाँ पे अगर प्लस के सामने प्लस आ रहा है मतलब सेम फेज वाले हैं, डैट मीन सेम नेचर वाले हैं, और सेम नेचर वाले के बीच बॉन्डिंग होगी, राइट? डे टू डे लाइफ में यही होता है, अगर दो लोगों का नेचर मिलेगा तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप उसकी अच्छी होती है, राइट? तो कहीं पे भी प्लस के सामने प्लस आ रहा है या माइनस के सामने माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज है रिपेल हो जाएंगे, ये चार्ज नहीं है, ये नेचर को बता रहा है। सेम नेचर वाले हो गए तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, और अगर प्लस के सामने माइनस आ रहा है या माइनस के सामने प्लस आ रहा है तो डैट मीन्स ये अपोजिट फेज वाले हो गए, अपोजिट नेचर वाले हो गए, तो इनके बीच कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस केस में बॉन्डिंग होगी और इस केस में बॉन्डिंग नहीं होगी, बात समझ में आई? तो प्लस माइनस जहाँ भी, ये जितने भी डायग्राम में मैंने प्लस माइनस दिखा रखा है उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये फेज या नेचर को बता रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू नो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, राइट? तो ये एस और दूसरा एस अगर आमने सामने में आएंगे तो ध्यान से देखो प्लस के सामने प्लस आ रहा है, डैट मीन्स सेम फेज वाले हो गए। बच्चे इसको कैसे कर लेते हैं, प्लस प्लस रिपेल हो जाएंगे, वो कंसेप्ट नहीं लगाना यहाँ पे। ये साइन क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके नेचर को, सेम नेचर वाले बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ध्यान से देखो मैंने ओवरलैप करा दिया, बॉन्डिंग हो गई। और कभी भी SS जब भी ओवरलैप करेंगे तो ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसको आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो, दो क्रिकेट बॉल जब आमने सामने आएंगे, राइट? तो ओवरलैपिंग अगर होगी तो एक ही जगह से ओवरलैपिंग होगी, जब एक ही जगह पे ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड, दो जगह पे ओवरलैप होंगे तो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे SS ओवरलैप कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये ओवरलैप क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम फेज के हैं। तो इसलिए इस ऑर्बिटल को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे से BMO लिखूंगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली ध्यान से देखो ये भी SS ही है, राइट? बट यहाँ पे माइनस है और इसके सामने कौन आ रहा है, प्लस। तो माइनस के सामने प्लस मतलब अपोजिट नेचर वाले, बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, डैट मीन्स ओवरलैप नहीं हुआ। तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
ओके। सिमिलरली अगर पी और पी ओवरलैप करते हैं तो आमने सामने की टक्कर होगी, तो एक जगह पे ओवरलैप हुआ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, राइट। और क्यों हुआ, क्योंकि प्लस के सामने क्या आ रहा है, प्लस, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। सिमिलरली अगर प्लस के सामने देखो माइनस, मतलब अपोजिट नेचर वाले हो गए, तो रिपेल कर जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिपेल करने का मतलब क्या है मेरा सेंस यहाँ पे, अगेन कन्फ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, अपोजिट नेचर के, इसलिए वो दूर भागेंगे, राइट। सिमिलरली अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो तो यू नो प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस आ रहा, तो दो जगह से ओवरलैप हो रहा है, ध्यान से देखो, दो जगह से ओवरलैप हो रहा है, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। और अगर देखो प्लस के सामने यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, और माइनस के सामने यहाँ प्लस, तो ये अपोजिट नेचर के हो गए, राइट, अपोजिट नेचर के हो गए, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सब रिपेल करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो प्रॉपर एक फील आपको आ जाना चाहिए, आप ध्यान से देख लो, अगर SS सेम फेज में है तो ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा ही ऑलवेज बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर अपोजिट फेज में, अपोजिट नेचर में, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। PP सेम फेज में है और आमने सामने की एक्सियल अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनेगा, अपोजिट फेज या अपोजिट नेचर के हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो ये आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से फील हो जाना चाहिए। अब मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको अच्छे समझना, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया है, तो यू नो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की होती है, राइट, ये सब जानते हैं, इसलिए 1s फिर 2s 2p एंड सो ऑन, आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के समझाने की कोशिश की आपको, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, नाइट्रोजन का एक एटम इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का दूसरा एटम तो इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s जब ओवरलैप करेंगे तो अगर बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग नहीं होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखो मैंने लिख दिया है, जो रेड कलर से हमने शो किया हुआ है वो सब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ध्यान से देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये दोनों ही एंटी बॉन्डिंग है। जो ब्लू कलर से हमने शो किया है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी है, और ये दोनों है, राइट। ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जो ब्लैक वाले हैं ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, उसमें एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, अगर 1s 1s करेगा, 2s 2s में भी एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 3 बॉन्डिंग के होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होगा तो आपको इस टाइप से डायग्राम दिखाना है। और उसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, देखो 21 21, 14 7 से डिविजिबल है, 7 2 14, 7 3 21, 21 21 21 का कहना मतलब क्या है, पहले नीचे में दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल। डैट मीन्स जब पीपी का आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 2 1 2 1, मतलब पाई वाले दोनों नीचे, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार वाले, फिर सिग्मा, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे करेंगे सर, जैसे O2 में, तो 14 से जब ज़्यादा होगा तो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेज आएगा, यहाँ पे चेंज जाएगा, तो आप कैसे करेंगे 1 2 2 1, उसके लिए हमने क्या दिया 1 2 2 1, मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, पाई ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा, बाकी सारे डायग्राम वैसे ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, 1s स्ट्रेस वाला वैसा ही रहेगा, सिर्फ 2p वाले में चेंज जाएंगे, पाई वाला ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होता है तो। इसलिए O2 में ये डायग्राम ना दिखा करके इसको ऊपर करना और इसको नीचे करना है, बस ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, ध्यान दें ऊपर वाले में कोई चेंजेज नहीं है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी दिखाया है कि अगर O2 होता तो कैसा बनाते, देखो 1 नीचे है और फिर दो पाई वाले ऊपर है, और ऊपर में जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो एज इट इज हैं, पहले पाई फिर सिग्मा, ओके।
सिमिलरली इस पे बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछ सकता है, तो आप देख सकते हो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s स्टार की। जितना भी स्टार ड्रॉ किया हुआ है वो सब आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसके बाद कौन है, सिग्मा 2s, फिर कौन है, सिग्मा 2s स्टार। फिर अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं तो क्या आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम, इसलिए इक्वल साइन, दोनों की एनर्जी सेम, सेम लेवल पे है। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी सेम, सेम एनर्जी लेवल पे है। और फिर उसके बाद लास्ट में सिग्मा 2pz स्टार। अगर O2 का होता है या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला का होता है तो चेंजेस कहाँ पे आते हैं, ये तो आपका वैसा ही रहता है एज इट इज, यहाँ पे चेंज आते हैं। इसको आपको क्या करना था, पहले लाना था, और इसको क्या करते आप बाद में ले आते, बस इसमें इंटरचेंज होता, डेट्स इट, बाकी सब वैसा ही रहता। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिट करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं नंबरिंग कर करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है। ध्यान से देखो, जितना भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट कर लोगे और कैसे भरोगे, देखो पहला इलेक्ट्रॉन आपका यहीं आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपको यहीं भरना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी आपको इसी में भरना है, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन भी यहीं भरना है। ये जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग है। फिर सात इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां होगा तो यहीं पे, नाइन होगा तो यहाँ पे, टेन होगा तो यहाँ पे, राइट। पहले सिंगल सिंगल बनना है, फिर पेयरिंग करना है, फिर अच्छा नाइन टेन में इधर नाइन भरो इधर टेन भरो वो चलेगा, राइट। फिर एलेवंथ तो इसी में आएगा, एलेवंथ आप इसमें भरो या इसमें भरो चलेगा, फिर ट्वेल्थ यहाँ आएगा, फिर थर्टीन यहाँ पे, फिर 14 यहाँ पे, फिर 15 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 17 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 19 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। तो ये मैंने नंबर ही कर दिया आपको कि 1 से 20 आपको कैसे भरना है। अगर O2 होता तो क्या चेंजेज होता, तो O2 में ये वाले सेम, सिर्फ ये वाला नीचे आता और ये वाला ऊपर चला जाता, तो क्या चेंजेज होते, 8 तक तो आप ऐसे भरते, 9, 10 में पहले आपका 9, 10 सिग्मा वाले में चला जाता, फिर 11, 12 आपका पाई वाले में जाता, फिर उसी में 13 और 14 आते, और ऊपर में तो सेम रहता, फिर 15, 16 फिर 17, 18 और फिर ऊपर वाले में 19 एंड 20। अब मैं इस डायग्राम को सामने रखते हुए इस पे बेस कैसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसको भी मैं यहीं पे समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। C2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो देखो C2 मतलब क्या हो गया, कार्बन दो कार्बन, 6 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, जो 14 से कम है तो आपका स्प्लिटिंग ऐसा ही रहेगा। 12 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक भर जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, उसके बाद ये बॉन्डिंग है, और ध्यान से देखो तो इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, पाई वाले में, सिग्मा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इसमें पूछा जाता है, तो इसमें पाई कितने हैं, 2, सिग्मा कितने हैं, 0, डेट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2 होने की वजह से ये दोनों ही पाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C2 इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज हैविंग बोथ बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड, देर इज नो सिग्मा बॉन्ड। और ये सब हम कहाँ बात कर रहे हैं, गैस फेज में, गैस फेज में C2 मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, और इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा और बोलेगा विच कंटेन ओनली पाई बॉन्ड, तो C2 इज द, अब इसको रटना नहीं है आपको, यहाँ से दिख जाएगा, राइट। ये अगर डायग्राम आपके माइंड में है तो आप क्विकली बता सकते हो। सिमिलरली और क्या पूछा जा सकता है कि अगर N2 से N2 माइनस बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, तो N2 से N2 माइनस मतलब 14, यहाँ पे 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14, और यहाँ पे 14 में एक और आ गया तो 15, तो जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया वो कहाँ जा रहा है, तो ध्यान से देखो 14 कैसे भरोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये भर गया यहाँ तक, 15 जो माइनस, तो कहाँ पे गया ये, पाई स्टार में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्टार कोई भी हो सकता है, 2px और पाई स्टार 2py। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, या मान लो कि N2 से N2
प्लस बनाया तो जो इलेक्ट्रॉन हटाया तो वो कहाँ से हटा, राइट। तो इस टाइप का कोई पूछ ले तो ये बस डायग्राम के थ्रू हो जाएगा और वेरी सिंपल है, ये याद रखना। सिमिलरली नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बोलेगा कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ एन टू प्लस में। तो एन टू प्लस का क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन 7 + 7 = 14 और एक प्लस मतलब एक चला गया तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक बनेंगे। बॉन्डिंग ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले में देखो 2 और 2 4, राइट, और यहाँ पे 5, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में रेड वाले 2 और 2 4, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 4, राइट। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में मेंस में पूछे जा रहे हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, राइट, सिग्मा बॉन्डिंग में कितने हैं, पाई बॉन्डिंग में कितने हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में कितने, इस टाइप का कुछ ही पूछ ले। क्यों? क्योंकि आपका डायग्राम ही आपके नज़र के सामने होगा तो आप कुछ भी इजिली बता सकते हो। एक और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Li2+ और Li2- में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बच्चे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 0.5 और 0.5 आता है। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम तो दोनों के स्टेबिलिटी सेम कर देते हैं, तो ऐसे केस में कैसे चेक करेंगे, तो वो भी आपको यहीं से होगा। Li2+ का क्या मतलब हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन है और Li2- का 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन आप कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 यहीं तक, और 7 कैसे बढ़ते 6 और 7 यहाँ तक, राइट। तो ऑलवेज जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो इसलिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो AbMo में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें AbMo मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इसमें कितने होते, 2 यहाँ और 1 यहाँ 3 होते। तो चूंकि इसमें ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो लेस स्टेबल है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता तो ये होता। तो आई होप आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि बस ये डायग्राम अगर अपने एक मरतबा अपने माइंड में बैठा लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि डायग्राम अगर आपके सामने है तो कितना सिग्मा बनाया, कितना पाई बनाया, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो कहाँ जा रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इजीली कर लेंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, आप इसी तरह हमारी वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहिए और हमसे सीखते रहिए। थैंक यू।